हेलो बच्चों, कैसे हो? आज मैं आपको जो ट्रिक या कंसेप्ट देने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस ट्रिक या कंसेप्ट पे हर साल कम से कम एक क्वेश्चन तो रहता ही है, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो या जेई का एग्ज़ाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। तो इसलिए हम इस ट्रिक को बहुत आसानी से समझेंगे, क्योंकि जब है रफ़ी सर आपके साथ तो डरने की नहीं है कोई बात। तो देखिए, आज हम बात करते हैं ऑपरेशन ऑफ एल्किन। जी, आप सही सुन रहे हो, आज हम एल्किन का कर देंगे ऑपरेशन, डॉक्टर बनने से पहले ऑपरेशन, वो भी किसके साथ? रफ़ी सर के साथ। तो एल्किन का ऑपरेशन करेंगे। तो एल्किन का जो ऑपरेशन होगा वो दो तरीके से होगा। एक बार कंप्लीट ऑपरेशन करेंगे, ध्यान दो ये सब बस समझाने के लिए, एक बार कंप्लीट ऑपरेशन करेंगे एल्किन का और एक बार पार्शियल ऑपरेशन करेंगे। कंप्लीट ऑपरेशन का क्या मतलब है कि एल्कीन में जो डबल बॉन्ड दिख रहा है जिन दो कार्बन के बीच, उनको क्या करना है? ब्रेक कर देना है। देखो, पहला पॉइंट, सिग्मा एंड पाई दोनों जब ब्रेक होंगे तो मेरा वहाँ पे सेंस होगा कंप्लीट ऑपरेशन, दैट मीन्स कंप्लीट ऑक्सीडेशन, यू कैन से। ओके, तो ऑपरेशन कर देना है, सिग्मा और पाई दोनों अगर ब्रेक कर दिए, आपको क्या करना है समझने के लिए, आपको कैंची चलाना है। और कैसे? परपेंडिकुलर, ध्यान से देखो कैसे चलाना है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर समझे? जैसे ये पाई बॉन्ड बोर्ड के प्लेन में, तो ऐसे कट करना है आपको, परपेंडिकुलर ऐसे चलाना है, ऐसे नहीं, पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर चलाना है। तो यहाँ पे दोनों पाई बॉन्ड को कट कर दिया, मतलब दो फ्रेगमेंट बन जाएगा, और इधर भी ऑक्सीजन भर देना, इधर भी ऑक्सीजन भर देना है, क्योंकि जब आपने ऑपरेशन किया है तो पेशेंट को जिंदा रखना पड़ेगा ना, तो ऑक्सीजन भर देंगे। और इसके लिए रिएजेंट क्या, दवा क्या दोगे? अरे दवा तो दोगे ना कुछ, तो उसके लिए दवा है ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। जो काम ये करेगा वही काम ये भी करेगा, राइट? KNO4 इन प्रेजेंस ऑफ H+, राइट? या फिर K2Cr2O7H+ दे सकते हैं। दैट मीन्स एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट, या एसिडिक मीडियम में परमैंगनेट, या फिर ओजोन, ये, या फिर ओजोन ही ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ZN या Me2S भी उसमें ऐड है, तो फिर क्या होगा वो भी देखेंगे। तो इन सब केस में, ये जो मैंने रिएजेंट या ये मेडिसिन दिखाया है, इन सब केस में आपको कंप्लीट ऑपरेशन करना है। और ये यूज कहाँ होता है ये सब रिएजेंट? टू आइडेंटिफाई पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन एल्कीन। ओके, नाउ पार्शियल ऑपरेशन से क्या मतलब है सर आपका? तो पार्शियल का मेरा मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ मैं किसको ब्रेक करूंगा? पाई बॉन्ड को, सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड को ब्रेक करूंगा। तो जब एक पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे तो दो न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होंगे, इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? एडिशन रिएक्शन, क्योंकि एक पाई बॉन्ड ब्रेक होकर के दो सिग्मा बनता है, तो एडिशन रिएक्शन बोलेंगे। सर अगेन, इसके लिए क्या मेडिसिन आप सजेस्ट करोगे? तो इसके लिए बहुत सारे मेडिसिन है, राइट? क्योंकि पार्सल क्या है ना, तो बहुत सारे मेडिसिन है। एक H+ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये हो सकता है, या HX वेयर X कैन बी Cl BrI, राइट? ये सब ऐड कर सकते हैं, या फिर BH3 इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 एंड OH-, या HgOH2 NaBH4, या KNO4 कोल्ड एंड डायलूट मीडियम में। ध्यान दें, इन दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे KNO4 एसिडिक मीडियम में, ये डायलूट एंड कोल्ड कंडीशन में, हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, या HOX, या फिर हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो इसके लिए बहुत सारे मेडिसिन हमने ले रखे हैं, तो इसका मैं एक पूरा वीडियो लेक्चर बनाऊंगा जिस पे आपको कैसे करना है वो बताऊंगा। आज के वीडियो लेक्चर में हम इस मेडिसिन पर वर्क करेंगे कि अगर मैंने एल्किन का कंप्लीट ऑपरेशन कर दिया तो कैसे करना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं ट्रिक की, जिसके लिए रफ़ी सर जाने जाते हैं। तो देखो, कहीं पे भी आपको एल्कीन दिख गया, क्या? एल्कीन, और इन तीनों में से कोई भी रिएजेंट दिख जाए, ध्यान से देखो, ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर दिख जाए, या फिर KNO4 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम दिख जाए, या K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम दिख जाए, इन तीनों में से कोई भी रिएजेंट दिख गया, या फिर ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक या डाइमिथाइल सल्फाइड एंड वाटर, ये मिल जाए। बात को समझ रहे हो? कहीं पे भी एल्कीन, ये तीनों रिएजेंट में से कोई मिल जाए, या ये रिएजेंट ये मिल जाए, या फिर ये मिल जाए, तो आपको क्या कर देना है? ऑपरेशन। डैट मीन्स करना क्या है, जो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है उसको परपेंडिकुलर कट कर देना है। क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा कट कर देना? क्योंकि ओजोन के बारे में आपको मालूम है, ओजोन का स्ट्रक्चर कैसा है, ध्यान से देखो, बेंट या वी शेप या एंगुलर, कैंची की तरह, तो इसलिए कैंची चला देना और कट कर देना है।
तो समझ के बाद आपको कट कर देना, चाहे ये रिएजेंट हो या ये रिएजेंट हो, कट कर देना और फ्रैगमेंट बना देना। और कट करने के बाद जिंदा भी रखना है ना, तो ऑक्सीजन भर देना है, दोनों को ऑक्सीजन दे देना। यहाँ तक तो दोनों में करना ही है। नाउ अब चेंजेज होगा, अगर ये आपने लिया तो फिर ये कट करने के बाद फिर आपको देखना है कि डबल बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन तो नहीं है। ध्यान दे, डबल बॉन्डेड कार्बन पे, ये नहीं कि इधर हाइड्रोजन है, तो डबल बॉन्डेड कार्बन पे अगर हाइड्रोजन है तो उसको फिर OH कर देना है, अगर नहीं है तो एज इट इज छोड़ देना। इसलिए मैंने ऐसा एग्जांपल लिया है, इधर डबल बॉन्डेड कार्बन पे कार्बन कार्बन है तो एज इट इज रहने देना है, उसको कुछ नहीं करना है। इधर डबल बॉन्डेड कार्बन पे कार्बन था, एज इट इज रहने दिया, हाइड्रोजन था तो OH करना है। कब? जब इन तीनों में से कोई होगा। तो अगर सर ये होगा तो क्या करना है, ये होगा तो फिर टेंशन ही खत्म, बस कट करके छोड़ देना है। तो डैट मीन्स देखो, ये कार्बन कार्बन ऐसे ही रहने दिया, इधर वाला कार्बन हाइड्रोजन ऐसे ही रहने देना यहीं पे। इसलिए इसको बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। क्या बोलेंगे? रिडक्टिव, क्योंकि वहीं पे छोड़ दिया। और इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव। इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। बात समझ में आ गई? तो सर ऐसा क्यों हुआ ना, तो क्वेश्चन ऐसा क्यों हुआ, तो वो भी सिंपल है। यू नो ओजोन आपका बहुत हाईली अनस्टेबल है, O2 और नेसेंट ऑक्सीजन, सारे चीज के पीछे यही रिस्पॉन्सिबल है। ओके, यही नेसेंट ऑक्सीजन। तो अगर नेसेंट ऑक्सीजन को आपने ट्रैप नहीं किया, नेसेंट ऑक्सीजन को आपने नहीं पकड़ा, तो रिएक्शन फर्दर हो जाती है। इसलिए कंप्लीट आपका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस हो जाता है। यहाँ पे जिंक क्या करेगा, वो जो आपका ऑक्सीजन था नेसेंट वाला, उसको लेकर के खुद जिंक ऑक्साइड में, तो इससे क्या हो जाएगा, रिएक्शन रुक जाएगी। या डायमिथाइल सल्फाइड उस ऑक्सीजन को लेकर के डायमिथाइल सल्फोनिल ऑक्साइड बना लेगा। बात समझे? तो इसलिए ये ऐड करने से आपका जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो ये भी खा जा रहा है, तो इसीलिए रिएक्शन हमारी यहीं पे रोक देना है। नहीं होगा तो नहीं खा पाएगा, तो फिर यहाँ तक जाएगी। तो बात समझ गए, ट्रिक समझ गए, बहुत ईजी है। कैंची की तरह कट कर देना है, चाहे ये हो या ये हो, कट कर देना है। कट करके ऑक्सीजन भर देना है, जिंदा रखना है। क्योंकि उसके बाद अगर आपका ये है तो डबल बॉन्ड कार्बन पे अगर हाइड्रोजन है तो OH करना है, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देना है। और इस केस में तो सिंपल है, बस कट करके ऑक्सीजन भर दो। तो चलिए अब हम इस पे बेस एप्लीकेशन की बात करते हैं। और एक पॉइंट और ध्यान में रखना है आपको, कि अगर आपको ऑपरेशन करने आ रहा है तो जोड़ने भी आना चाहिए। इसलिए मैंने लिखा है कट किया है तो जोड़ने भी आना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन उल्टा भी पूछता है कि ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट ये है तो एक्चुअल रिएक्टेंट कौन होगा, डेट मीन्स एल्किन कौन सा होगा। तो उसके लिए भी इसलिए मैंने ऐसे दिखाया है। आपको क्या करना है, जो जो सी डबल बॉन्ड हो उसको सामने कर करके इसको क्या कर दोगे, बाहर कर दोगे और सी डबल बॉन्ड सी बना दोगे, तो आपका बैक रिएक्टेंट आ जाएगा। तो इसमें दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट क्या मिलेगा, और अगर ये ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट है तो रिएक्टेंट क्या होगा। तो उसके इसमें आपको क्या करना है, जोड़ने आना चाहिए। जहां जहां सी डबल बॉन्ड हो दिख रहा है तो उसको क्या कर देना है, सामने ला कर करके दोनों ऑक्सीजन को फिर से निकाल लेना है, सी डबल बॉन्ड सी बना देना है। अगर OH अगर आ गया है तो इसका मतलब वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन वाला है, राइट। तो OH को पहले क्या करोगे, H में कन्वर्ट कर दोगे। ध्यान से देखो, OH को H में और सी डबल बॉन्डो को और दूसरे मॉलिक्यूल के सी डबल बॉन्डो को जोड़ करके दोनों ऑक्सीजन को बाहर निकाल देना है। समझ गए बात? देखिए क्वेश्चन नंबर वन, जो 2023 में 12 अप्रैल शिफ्ट वन में पूछा गया है कि 2-hexene और O3 एंड वाटर है तो प्रोडक्ट क्या होगा। तो एक तो रफ़ी सर का ट्रिक देखो, कैसे एग्जाम में आपको सोचना होता है। 2-hexene है, डैट मीन्स नॉर्मल एल्कीन नहीं है, कहीं पे भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है, और चूंकि ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर है, राइट, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना, वो भी कौन सा, ऑक्सीडेटिव वाला। तो डैट मीन्स डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन होगा ही, और वो हाइड्रोजन होगा तो OH में जाएगा, मतलब ओइक एसिड वाला बनना चाहिए। यहाँ ध्यान से देखो, अल है और अल्डिहाइड है तो ये तो नहीं होगा। यहाँ ओइक है, बराबर है, लेकिन यहाँ अल्डिहाइड है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ अल है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ ओइक है, यहाँ इक है, तो डैट मीन्स ये होगा, क्योंकि दोनों फ्रेगमेंट हमारा एसिड ही बनने वाला। कैसे, अगर नहीं सोच पाए तो ध्यान से देखो, 2-hexene का मतलब क्या हो गया, आपका 6 कार्बन का चेन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 2 पे डबल बॉन्ड, राइट। उसके बाद सर ने क्या बोला है कि ध्यान से देखो, इस कार्बन पे 3 बॉन्ड बनाए तो एक हाइड्रोजन है, और इस कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन है, राइट। चूंकि O3 वाटर लिया तो हमने क्या बोला,
परपेंडिकुलर कट करो, यहाँ ऑक्सीजन भरो, यहाँ ऑक्सीजन भरो। तो जब ये भरते तो ध्यान से देखो, ये आ जाता है सी डबल बॉन्ड ओ और ये हेच को क्या कर देते हैं, ओ एच। तो यही आपका क्या हो गया, एसिटिक एसिड। और इधर वाला पार्ट ध्यान से देखो, 1 2 3 फोर्थ कार्बन पे, 1 2 3 फोर्थ कार्बन पे सी डबल बॉन्ड और ये हेच ओ एच में, तो ये क्या हो गया, ब्यूटेनोइक एसिड। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कोई अननोन हाइड्रोकार्बन है और उसका ओजनोलिसिस कर रहे हैं, ओ थ्री का 1 मोल लिया है, तो 1 मोल इथेनल मिल रहा और 1 मोल प्रोपेनोन, ये क्वेश्चन में गिवन था, ये 8 अप्रैल को शिफ्ट 1 में 2023 में पूछा हुआ है। तो मोलर मास एक्स का बताना है। तो ध्यान से देखो रफ़ी सर कैसे सोच रहे हैं, अलवर्ड लगा है, अलवर्ड लगा है, इसका क्या मतलब हो गया, अल्डिहाइड मिल रहा है, डैट मीन्स रिडक्टिव ओजनोलिसिस हो रहा है और ये तो प्रोपेनोन है, राइट। एक और हमें कैसे पता लग रहा है कि 1 मोल ओजोन जब आपने लिया तो 1 मोल इसका मिल रहा है, 1 मोल इसका, 1 मोल अगर मैं ओजोन लिया, 1 मोल ओ थ्री, तो मेरे को कितना ऑक्सीजन मिला, 3 ऑक्सीजन मिला, एक ऑक्सीजन तो यहाँ आया इथेनल में, एक ऑक्सीजन यहाँ आया, तो एक और ऑक्सीजन क्या हुआ, तो वही वो जिंक या Me2S खाया होगा, इसका मतलब रिडक्टिव ओजनोलिसिस है। और ये वो वाला केस है जहाँ पे अगर आपको कट किया है तो जोड़ने भी आना चाहिए। तो आप इथेनल बना लो, क्विकली कैसे बनाएंगे, तो सी डबल बॉन्ड ओ और इथेनल है, इथ है, तो एक 2 कार्बन हो गया और एक हाइड्रोजन, ये बना लिया। दूसरा प्रोपेनोन, प्रोपेनोन मतलब सी डबल बॉन्डों को सामने रखो और 2CH3, और आपको क्या बोला था, जब अगर कट करने आया है तो जोड़ने भी आना चाहिए, तो दोनों ऑक्सीजन को हटा दो तो आपको क्या मिल जाएगा, CH3H, सी डबल बॉन्ड सी, इधर CH3, इधर CH3। तो आयु पैक नेम पूछ लेता है कितने सिग्मा पाई है, वो भी पूछ लेता है, अभी आपसे पूछा इसका मोलर मास, तो कितने कार्बन ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 5 कार्बन, तो 60 तो वो हो गया, प्लस 9 और 1 10 हाइड्रोजन, तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, 70। सो योर आंसर विल बी 70। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में एक C6H8 करके कोई हाइड्रोकार्बन था जिसका 1 मोल 2 मोल H2 से रिएक्ट करता है कैटोलिटिक हाइड्रोजनेशन में, और इसके 1 मोल का जब हम ओजोनोलिसिस करते हैं तो 2 मोल्स आपको मिलता है मीथेन डाइकार्बोल्डिहाइड, तो ये कौन सा होगा। तो देखो इसको एक तो रफ़ी सर के अकॉर्डिंग आप थिंक करो, कैसे सर थिंक करते हैं ध्यान से देखो, मुझे क्या बोला, 2 मोल्स मीथेन डाइकार्बोल्डिहाइड, मैं इस वर्ड को पकड़ूंगा, मीथेन मतलब 1 कार्बन और इस पे 2 अल्डिहाइड ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये होना चाहिए, ये हो गया आपका मीथेन डाइकार्बोल्डिहाइड। और एक और इन्फॉर्मेशन दिया कि इसका 1 मोल 2 मोल H2 रिकॉर्ड हो रहा है, इसका मतलब इसमें 2 ही पाई बॉन्ड है, ये यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिला कि 2 पाई बॉन्ड है, इसलिए मेरा ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 पाई बॉन्ड है 1 3 5 पे। अब इनमें से होगा, ध्यान से देखो 2 मोल्स मीथेन डाइकार्बोल्डिहाइड बोलने का क्या मतलब है कि मॉलिक्यूल में सिमेट्री है तभी इसके 2 मोल्स मिले, राइट। और मॉलिक्यूल में सिमेट्री है तो 1 पे मिथाइल लगा हुआ है तो एक साइड, तो ये नहीं हो सकता। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन पे भी सिमेट्री होना चाहिए तो 1 4 में आमने सामने का होना चाहिए तभी सिमेट्री होगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। ऐसे सोचना है आपको। नाउ अगर थोड़ा सा नहीं समझ में आ तो समझो कैसे, साइक्लोहेक्सा 1 4 डाइन क्या हो गया, साइक्लोहेक्सा 1 4 डाइन का मतलब 1 2 3 4 5 6, तो वही कह रहा था मैं कि देखो मॉलिक्यूल में सिमेट्री है, मॉलिक्यूल में जब सिमेट्री होगा तभी 2 मोल सेम मिलेंगे। अब आपको बताया कि आपको कैसे कट करना है, तो परपेंडिकुलर कैंची चला देना है, चला दिया और चला देना, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, तो ध्यान से देखो यही CH2 सी डबल बॉन्ड OH, क्योंकि यहाँ पे हेच होगा, यहाँ पे भी हेच होंगे, यहाँ पे भी हेच होंगे, यहाँ 2 मोल सेम मॉलिक्यूल के मिल रहे हैं, तो इसलिए ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, डी, 1 3 वाला नहीं हो सकता। तो आपको इस तरीके से थिंक करना है, ये सब क्वेश्चन टफ लेवल में आता है बट रफ़ी सर के ट्रिक से बहुत इजी हैं। और एक आप ऐसे भी सोच सकते थे, चूंकि आपको ये दे दिया मीथेन डाइकार्बोल्डिहाइड का 2 मोल्स मिल रहा है तो आपको बता रखा हूँ जोड़ने भी आना चाहिए, तो आप क्या करो CH2 सी डबल बॉन्ड O ये दिखा लो, इसका H और ये सी डबल बॉन्ड O इसका H, इसके 2 मोल्स हैं, तो ऐसा ही नीचे बना लो और सी डबल बॉन्ड O को सामने रखना है क्योंकि आपको वो हटाने भी आना चाहिए, तो ये ऑक्सीजन हटा दो, ये ऑक्सीजन हटा दो, आपका ये मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में ये 4 ऑप्शन गिवन थे और पूछा जा रहा था कि किसको जब हम ओजोनोलिसिस करेंगे तो डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगा ओजोनोलिसिस पे।
तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, कुछ जो बच्चे अपना दिमाग लगाते हैं कि इन सब में दो दो मिथाइल है, इसमें नहीं है तो यही डिफरेंट देगा, ऐसा नहीं होता राइट। ध्यान से समझो, डिफरेंट प्रोडक्ट चाहिए तो आपको देखना है कि डबल बॉन्ड पे सब्स्टिट्यूशन कैसा है। यहाँ पे ध्यान से देखो, डबल बॉन्ड पे एक है, इधर डबल बॉन्ड पे एक है, तो यहाँ पे भी वैसा ही है, तो इसमें सेम प्रोडक्ट मिलने वाला है। यहाँ पे भी देखो, डबल बॉन्ड पे एक है, इधर डबल बॉन्ड पे एक है, तो यहाँ पे भी। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे जो दो सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है ही नहीं और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, क्योंकि आपको मालूम है आपको परपेंडिकुलर कट करना है। तो जब ये कट होगा तो सी डबल बॉन्डों पे दोनों साइड CH3 आएंगे, जबकि यहाँ पे ये कट होगा तो एक ही साइड CH3 आएगा, एक साइड नहीं आएगा। तो इसलिए यही आपको डिफरेंट प्रोडक्ट देने वाले, क्योंकि यहाँ पे अगेन कट होगा तो एक एक CH3 मिलेंगे, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में ये कोई कंपाउंड उसने लिया था और इसका दो रिएजेंट से रिएक्शन कराया, एक से तो ए मिला और ये कंपाउंड मिल रहा है, वाई से कराया तो बी मिला और ये सिमिलर कंपाउंड मिल रहा है। इस टाइप से क्वेश्चन गिवन था, तो आपको एक्स एंड वाई आइडेंटिफाई करना था। तो अब ध्यान से देखो, ये दोनों प्रोडक्ट सेम है और डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है ओजोन वगैरह है, KNO4 ओजोनोलिसिस वाला कंसेप्ट है, आपको मालूम है इसको ब्रेक करना है। इसको ब्रेक करना है तो ये जो कार्बन है इसके दोनों साइड कार्बन है, इसलिए ये कीटोन वाला फिक्स हो गया, चाहे ऑक्सीडेटिव वाला एजेंट यूज करो या रिडक्टिव वाला। चेंजेज कहाँ पे आने वाले हैं, ये वाले पे राइट। एक ए मिला, एक बी मिला और ये कह रहा है कि अगर ए को फर्दर ऑक्सीडाइज किया तो बी मिलेगा, इसका मतलब ये कौन हो गया, रिडक्टिव वाला राइट, क्योंकि इसको ऑक्सीडाइज करें तो मिल रहा है, इसका मतलब ये ऑक्सीडेटिव वाला है। अब ध्यान से देखो, ऑक्सीडेटिव हो या रिडक्टिव हो, KNO4 डाइल्यूट तो यूज ही नहीं कर सकते राइट, ये तो पार्सल में यूज होगा, तो ये गया, यहाँ भी डाइल्यूट है तो ये गया, अब इन दोनों में से कोई होगा। तो एक्स शुड बी रिडक्टिव, रिडक्टिव मतलब जिंक वगैरह लेना पड़ेगा राइट, और वाई शुड बी ऑक्सीडेटिव तो KNO4, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, वेरी सिंपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि C4H8 एक एल्कीन है जो दो आइसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट हो रहे हैं ए एंड बी, तो इन दोनों में से आपको पहचानना है कि एक क्या हो सकता है जब इसकी रिएक्शन KNO4 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम कराया जा रहा है। तो एक तो गैस मिल रहा है उसको और एक कीटोन मिल रहा है राइट। तो देखो रफी सर कैसे सोच रहे हैं, गैस मिलने का मतलब क्या है, ये कब हो सकता है, चूंकि KNO4H+ लिया मतलब ऑक्सीडेटिव है, ये तभी हो सकता है जब सी डबल बॉन्ड सी हो और इसके दोनों साइड हाइड्रोजन हो। क्यों, क्योंकि इसको जब मैं ब्रेक करूंगा दैट मीन्स कॉर्नर पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, इसको जब ब्रेक करूंगा तो इधर ऑक्सीजन राइट, तो ये सी डबल बॉन्ड ओ आएगा, समझ के बाद, और इधर में भी सी डबल बॉन्ड ओ आएगा, और चूंकि डबल बॉन्डेड कार्बन पे एच है तो OH में चला जाएगा क्योंकि ऑक्सीडेटिव है KNO4H+। फिर आपको मालूम है एक कार्बन पे दो OH अनस्टेबल होते हैं तो वाटर को बाहर कर देना है, तो यहाँ से क्या जाएगा, CO2। इसलिए कभी भी ये वर्ड यूज हो, एफरवेसेंस ऑफ गैस मतलब CO2 है, और ये कब दे सकता है, जब आपका डबल बॉन्ड कॉर्नर वाले कार्बन पे हो। तो एक बात तो क्लियर है कि कॉर्नर पे होना चाहिए तभी ये होगा, कॉर्नर पे कहाँ पे है, वन इन पे है राइट, टू पे तो नहीं हो सकता, टू पे नहीं हो सकता, और वन प्रोपीन या टू मिथाइल प्रोपीन तो यहाँ पे, इन दोनों में से होगा। दूसरा एक और बोल रहा है कीटोन मिलना चाहिए, कीटोन कब मिलेगा, जब इसके दोनों साइड क्या होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए, और कार्बन होना चाहिए यहीं से देखो तो टू मिथाइल क्या हो जाएगा, प्रोपीन, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी। तो आपको ऐसे एग्जाम में सोचना है, तो अब ध्यान से देखो, सी सी डबल बॉन्ड सी अगर ऐसा होता और इस पे ही, क्योंकि मुझे कीटोन चाहिए सी डबल बॉन्ड हो क्योंकि इसको ब्रेक करना है, तो इस पे ही अगर सी होगा तभी मैं जब ब्रेक करूंगा तो ये मुझे कीटोन मिलेगा राइट, सी डबल बॉन्ड हो दोनों साइड सी, और इधर दो हाइड्रोजन अगर होता डेट मीन्स टर्मिनल एल्किन होता तभी मुझे CO2 मिलेगा। तो कहीं पे भी अगर CO2 मिल रहा है तो एक बात क्लियर है कि आपका डबल बॉन्ड कॉर्नर वाले कारण पर होना चाहिए, क्योंकि ये दो हाइड्रोजन आपको मालूम है ऑक्सीडाइज होकर के फिर से CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा इधर वाला, क्योंकि वाटर बाहर चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इस टाइप से पूछा गया है कि अगेन C4H8 है, उसको KNO4 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम कर रहे हैं तो C3H6O मिल रहा है, उसी कंपाउंड का अगर ओजोनोलिसिस कर रहे हैं तो भी हमें सिमिलर कंपाउंड B ही मिल रहा है, तो A क्या हो सकता है। तो ध्यान से देखो, अगर दोनों से सेम मिल रहा है तो ये तो आपको मालूम है कि ये ऑक्सीडेटिव है, डैट मीन्स ये भी ऑक्सीडेटिव है राइट, और ये C3H6O मिल रहा है, एक ही ऑक्सीजन है मतलब ये कहीं ना कहीं कीटोन है राइट, और कीटोन है तो कैसे हम पता करेंगे, ध्यान से देखो क्यों, क्योंकि अगर एल्डिहाइड होता
तो उसको एच को एच कर देते एसिड, तो इसमें दो ऑक्सीजन आना चाहिए, एक ही ऑक्सीजन है, मतलब सी डबल बॉन्ड सी के इस वाले कारण पे दो मिथाइल तो चाहिए ही, दोनों कार्बन, तभी ये कीटोन बन पाएगा, तभी एक ऑक्सीजन है, क्योंकि ये कौन सा है, ऑक्सीडेटिव वाला है। अगर डबल बॉन्ड पे, आपको बता रखा हूँ, डबल बॉन्ड पे एच होता तो OH आ जाता, इसलिए दो ऑक्सीजन यहाँ होते, यहाँ एक ही ऑक्सीजन है, पक्का कीटोन हमें करना पड़ेगा क्योंकि ये ऑक्सीडेटिव है, इतना आपको सोचना पड़ेगा, और रफी सर हैं तो सोच भी लेंगे। तो ये तो आप ध्यान से देखो, तो इसका मतलब ब्यूट टू इन नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, ध्यान से देखो, क्योंकि ये सिंपल वाले हैं, इस पर डबल बॉन्ड पे एच है तो OH आएगा, तो ये नहीं होगा। साइक्लोब्यूटेन एन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एल्किन चाहिए, अब इन दोनों में से कोई होगा, साइक्लोप्रोपीन या टू मिथाइल प्रोपीन, तो अब इसी बात है टू मिथाइल प्रोपीन, प्रोपीन बोले तो 1, 2, 3 और 1, 2 पे ही मिथाइल होना चाहिए, क्यों होना चाहिए अभी आपको समझ में आ जाएगा, ऑक्सीजन ब्रेक किया तो यही आपका मिल जाएगा C3H6O, और दूसरे साइड में ये दो हाइड्रोजन वाले, तो यहाँ से वही CO2 गैस मिल जाता है, क्योंकि इसका सी डबल बॉन्ड हो और H को OH करते, इस H को OH करते और वाटर बाहर जाता तो CO2, ये क्यों नहीं हुआ, तो आप समझ सकते हो, 1-methyl साइक्लोप्रोपीन, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन कौन हो जाएगा हमारा, ए। अगर इसको चाहो तो बना सकते हो, 1-methyl साइक्लोप्रोपीन बोले तो ये हो गया राइट, और इस पे एक मिथाइल, तो आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4 कार्बन, तो C4 हो गया, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1, 4 और यहाँ पे 2, 6 और यहाँ पे 2, 8, तो यही हो गया, तो यहाँ तो पाई बॉन्ड है ही नहीं, इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं था आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम और हीट है, तो अगेन आपको मालूम है ऑक्सीडेटिव कराना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है, तो क्या होगा, आपको बता रखा हूँ कि पहले आपको ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर देना है, तो ध्यान से देखो, ये पाई बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो ध्यान से देखो, ये डबल बॉन्ड O और ये बाकी चीज़ें जैसे हैं वैसे रहने देना है, और ये डबल बॉन्ड O, ध्यान से समझो मैंने क्या किया, ये पाई बॉन्ड को ब्रेक किया, तो इसको हटा दो थोड़ा सा राइट, अपने आप समझ में आ जाएगा, यहाँ पे सी है डबल बॉन्ड O, सी है डबल बॉन्ड O, इधर सी था डबल बॉन्ड O और इधर 1, 2, 3, 4 कार्बन थे, तो 1, 2, 3, 4 आपको मालूम है इस डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन था राइट, तो हाइड्रोजन था तो क्या करना पड़ेगा उसको, OH, तो ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट सिंपल, और अगर रिडक्टिव होता तो H रहता, एल्डिहाइड बन करके रह जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में इसकी अगेन ओजोन और ZnH2 है, तो रिडक्टिव करना पड़ेगा राइट, तो आपको क्या करना है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक करना है और ये भी ब्रेक करना है, तो ध्यान से देखो, ये पाई बॉन्ड ब्रेक करोगे तो ये कार्बन है और इस पे दो हाइड्रोजन है, तो रिडक्टिव ही करना है, तो ये वाला कार्बन ले रहा हूँ तो मैं डबल बॉन्ड उसको भरा कट करने के बाद, और दो हाइड्रोजन इसके पहले गए थे, इधर वाला लोगे ध्यान से देखो तो ये आपका डबल बॉन्ड O रह जाएगा राइट, और दोनों तरफ इसके कार्बन थे, यहाँ पे ये कार्बन आ जाएंगे, ये पाई बॉन्ड जब आपने ब्रेक किया है तो ये सी डबल बॉन्ड O इसका H रह जाएगा क्योंकि रिडक्टिव है, और ये सी डबल बॉन्ड O और इसका H रह जाएगा। मैंने ऐसा इसलिए बनाया क्योंकि कभी कभी रिवर्स पूछा जा सकता है, तो इसलिए इन सबको ऐड करके ऑक्सीजन हटा देना आपको, तो ये दोनों यहाँ से ऐड हो जाते तो यहाँ पे पाई बॉन्ड आता, ये दोनों यहाँ से ऐड हो जाते तो यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाता। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 10, ब्यूट टू इन KMnO4 H+ ऑक्सीडेटिव हो जाएगा राइट, तो ब्यूट टू इन बोले तो आपका ये हो गया, और इसको ब्रेक कर देना है चूँकि इस पर H भी है यूनो, तो H किस में चला जाएगा, OH में, तो आपको दो मॉलिक्यूल क्या मिल जाएगा, एसिटिक एसिड, इसके दो मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, तो आप देख सकते हो बहुत ईजी है। और अगेन अगर मान लो कि बैक क्वेश्चन पूछा जाता कि दो मॉलिक्यूल ये मिला है तो क्या होगा, तो हमने बताया आपको OH जहाँ पे भी होगा उसको पहले H में कर देना, तो ये H कर देना, उसके बाद C डबल बॉन्ड को सामने करके बाहर निकाल देना, तो आपको बैक प्रोडक्ट भी मिल जाएगा। और नेक्स्ट कि कोई कंपाउंड ए है उसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कर रहे हैं, तो इथेन 1,2 डाइकार्बनडिहाइड और ग्लियोक्सल या ऑक्सलडिहाइड मिल रहा है, और बी कंपाउंड काम कर रहे हैं ओजोनोलिसिस रिडक्टिव, तो 5-oxohexanal, तो ए एंड बी पहचानना था, तो ध्यान से देखो कैसे करना है ऐसे क्वेश्चन को। इथेन 1,2 डाइकार्बनडिहाइड, यू नो अल्डिहाइड जो है वो डॉन फंक्शनल ग्रुप है, तो इथेन 1,2 लिखने का मतलब क्या है कि दो कार्बन रहा होगा और इस पे सी डबल बॉन्ड OH होगा राइट, इस पे C डबल बॉन्ड OH होगा, तो ये हो गया आपका इथेन डाइकार्बनडिहाइड 1,2, ये 1,2 क्योंकि अल्डिहाइड मैन चेन या पेरेंट चेन में नहीं आ पा रहा, और ग्लियोक्सल किसको बोलते हैं, दो एडजेसेंट पे अल्डिहाइड हो तो इसको बोलते हैं ग्लियोक्सल या ऑक्सलडिहाइड।
तो आपको मालूम है दो फ्रेगमेंट, तो आपको क्या करना है, इसका उल्टा प्रोडक्ट ये निकालना है। तो क्या करेंगे, अटैच करेंगे, राइट। तो अटैच कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, CH2 CH2, इसका ध्यान से देखो सी डबल बॉन्ड ओ सामने में रखा और एच, इसका भी सी डबल बॉन्ड ओ सामने में रखा और एच, और इसका ध्यान से देखो यहाँ पे मैं सी लिया डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे सी लिया डबल बॉन्ड ओ और एच एच सामने में रखा, और क्या करना मुझे, ऑक्सीजन को निकाल देना है। तो ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6, सिक्स मेंबर की ये रिंग बन गई। और यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड यहाँ पे होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, अगर नंबरिंग करोगे तो आप कहीं से भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6, अगर इसको मैं ओजोनोलिसिस करूँगा तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ यहाँ ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ यहाँ ऑक्सीजन। तो ध्यान से देखो, ये सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ एच, और इधर CH2 CH2, सी डबल बॉन्ड ओ एच, तो यही मिल जाएगा। तो इसलिए ए हमारा जो है वो ये हो चुका है, डैट मीन्स आपका ए जो है वो ये है, साइक्लोहेक्स 1,3-डाइईन है। और रही बात इसकी 5-ऑक्सोहेक्सेनल को कैसे पहचानेंगे, तो आप ध्यान से देखो 5 पे ऑक्सो और हेक्सेनल, हेक्सेनल अल है, राइट। तो 6 कार्बन, तो 6 कार्बन की चेन बना दो, 1 2 3 4 5 6, और इसी पे सी डबल बॉन्ड ओएच होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, हेक्सेनल हो गया, और 5 पे ऑक्सो, तो ये। अब इसका आपको कैसे बनाना है, तो वेरी सिंपल, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे आप, तो ध्यान से देखो 1 2 3 4, और ये दोनों जब जुड़ जाएंगे तो 5, 5 कार्बन की एक रिंग बना देनी है, और जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा वहीं पे एक आपका मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, तो आपका ये हो जाएगा बी। और अगर नहीं समझ में आया हो तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, ध्यान से देखो, सी डबल बॉन्डों को सामने करना है मुझे, बीच में कितना कार्बन है, ध्यान से देखो 1 2 3 कार्बन है, तो राइट, तो 1 2 और ये 3 कार्बन, ये थर्ड कार्बन पे ये सी डबल बॉन्ड ओ है और इधर मिथाइल निकला हुआ है, और इधर वाले कार्बन पे आपका ये सी डबल बॉन्ड ओ और एच था, और इसको आप बाहर निकाल दो। तो आप ध्यान से देखो यही बन गया कि नहीं, कैसे, तो आप ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, ये 5 मेंबर रिंग बना देना आपको, राइट, 3 और ये डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड पे मिथाइल, तो ये और ये सेम है, राइट, कन्फ्यूज नहीं होना, सेम ही बात है। नाउ जाते जाते ज्ञान की बात, और डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर ध्यान से देखो, अगर कहीं पे भी क्वेश्चन में ओजोनोलिसिस वाले में या ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किन में कि वन प्रोडक्ट आपको CO2 मिल रहा है या एफर्विसेंस की बात कर रहा है, तो इन डैट केस पक्का आपको टर्मिनल एल्किन होगा ही। टर्मिनल एल्किन मतलब कॉर्नर वाले कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन होना चाहिए, एकदम लास्ट वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा। तो ये पॉइंट को ध्यान में रखना है, क्यों, क्योंकि आपको मालूम है जब मैं इसका ऑक्सीडेटिव करूँगा तो यहाँ ओ भरेगा, राइट, और फिर ये एच ओ एच में चला जाएगा, ये एच ओ एच में चला जाएगा, एक कार्बन पे 2H अनस्टेबल, तो वाटर के फॉर्म में बाहर, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये वाला कार्बन, इधर से एक ऑक्सीजन, इधर से एक ऑक्सीजन, तो CO2 मिल जाएगा। तो कहीं पे भी CO2 की बात हो रही है ओजोनोलिसिस के केस में या ऑक्सीडेटिव रिएक्शन ऑफ एल्किन के केस में, तो पक्का टर्मिनल पे डबल बॉन्ड होगा। दूसरा, डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आपको क्वेश्चन में मिल रहा है कि एल्डिहाइड मिल रहा है, तो एल्डिहाइड से हमें पता लग जाएगा कि पक्का रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कर रहे हैं, डैट मीन्स ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक वाटर है या Me2S वाटर है, एल्डिहाइड, अगर एक भी प्रोडक्ट अगर एल्डिहाइड दिख रहा है तो, क्यों, क्योंकि जब भी आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करेंगे तो आइदर दोनों प्रोडक्ट आपको जो फ्रेगमेंट है दोनों कीटोन हो सकता है, दोनों एसिड हो सकता है, या फिर इन दोनों का मिक्सचर हो सकता है, कीटोन एंड एसिड, यू ऑलरेडी नो, क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेटिव में जो डबल बॉन्डेड वाले हेच हैं वो किस में चले जाएंगे, OH में, इसलिए एसिड बन जाएगा, और अगर हेच नहीं होगा तो कीटोन हो जाएगा क्योंकि कार्बन होगा। बट अगर रिडक्टिव हो रहा है तो एक प्रोडक्ट तो कीटोन हो सकता है, दूसरा अल्डिहाइड होगा, राइट, या दोनों ही कीटोन हो सकते हैं, या दोनों ही अल्डिहाइड हो सकता है, या फिर इनका मिक्सचर होगा। तो इसलिए कहीं पर अगर एसिड आ रहा है मतलब ऑक्सीडेटिव है, और अल्डिहाइड आ रहा है तो रिडक्टिव है, क्योंकि कीटोन तो दोनों में कॉमन है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगेन आई एम टेलिंग, ऑक्सीडेटिव में एसिड आएगा उससे पहचान जाएंगे, रिडक्टिव में अल्डिहाइड जरूर आएगा तो उससे हम पहचान जाएंगे, राइट, कीटोन तो दोनों में कॉमन है। नाउ कभी कभी जो बैक प्रोडक्ट आपको थिंक करवाएगा, और अगर ऑक्सीडेटिव वाला प्रोडक्ट दे दिया तो आपको क्या करना है, पहले OH को पहले हेच कर देना है,
ओ एच को पहले हेज कर देना है, फिर उसके बाद आपको मालूम ही है सी डबल बॉन्ड ओ को सामने कर करके ऑक्सीजन बाहर कर देना है, सी सी डबल बॉन्ड बॉन्ड बना देना है। हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप मेरे सारे वीडियो लेक्चर को केयरफुल्ली देख रहे होंगे और आपको केमिस्ट्री इजी भी लग रहा होगा और आपसे क्वेश्चन बन भी रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक और ट्रिक लेकर आया हूँ और डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एल्केन ऑक्सीडेशन, जिसको मैं प्यार से बोलूँगा एल्कीन का ऑपरेशन। तो व्हाट डू मीन बाय एल्केन ऑपरेशन? कि हम एल्कीन का अब क्या करेंगे, पार्शियल ऑपरेशन करेंगे, समझ लो। पार्शियल का मेरा सेंस यहाँ पे क्या है कि पार्शियल मतलब सिर्फ और सिर्फ मेरे को पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है। एल्कीन में जो डबल बॉन्ड होते हैं तो उसमें एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, राइट? तो सिर्फ पाई को ब्रेक करना है, जो कि एक वीकर बॉन्ड है इसलिए वही पहले ब्रेक होगा, और उस पाई की जगह दो सिग्मा फॉर्म्ड होंगे, जो कि एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो आप ही सोचो, अगर वीक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो ऐसे केस में एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, इसलिए ये वाला जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक होगा। नाउ ऑक्सीडेशन या ऑपरेशन क्यों बोल रहे हो सर? तो यहाँ पे क्या होगा एक्चुअली में कि एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, दैट मीन्स कार्बन पे उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम आएंगे, इसलिए हम ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं, राइट? नाउ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इसको बोलेंगे, क्योंकि जब भी रिएक्शन में जो सबसे पहले अटैक करता है उसके बेस पे नाम आता है रिएक्शन का, तो इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेगा इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर एडिशन क्यों बोलो? ध्यान से देखो, आपके पास जो एल्कीन होगा उसमें ये सिग्मा हो गया, राइट? ये सिग्मा हो गया, तो ये वाला पाई इसको ब्रेक कर देना आपको, तो ये पाई ब्रेक होते ही ये वाले कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो गई और ये वाले कार्बन की। तो आपको पूरे रिएजेंट में पहचानना है कि प्लस कौन है और माइनस कौन है, राइट? प्लस और माइनस कौन है, क्योंकि ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो मान लो इस कारण पे आपने इधर किया, तो इस पे अगर माइनस आया तो इस पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, सिंपल समझो एकदम, राइट? डबल बॉन्ड ब्रेक किया तो एक कार्बन पे माइनस, एक कार्बन पे प्लस, तो ऑब्वियसली बात है ये प्लस वाला इसके पास आएगा और माइनस वाला इसके पास आएगा, या वाइस वर्सा अगर उल्टा ब्रेक किया तो। तो एक बात तो क्लियर है कि प्लस के पास माइनस जाएगा और माइनस के पास प्लस, सेम चार्ज वाले एक दूसरे के पास नहीं आ सकते, रिपेल होंगे, राइट? तो यहाँ पे आपको रिएजेंट जो भी गिवन होगा उसमें प्लस और माइनस पहचान लेना है और उस प्लस माइनस को डबल बॉन्ड हटा कर करके एक एक कार्बन पे लगा देना है, राइट? जैसा कि मैंने यहाँ पे एक स्कीम में दिखाया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सारा चीज ऐड हो रहा है, कोई भी चीज बाहर नहीं जा रहा, चिपक रहा है, इसलिए बोलेंगे एडिशन, ऐड हो गया। और चूंकि इलेक्ट्रोफाइल पहले इस रिएक्शन को इनिशिएट करता है, इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करता है, इसलिए बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। नाउ ये जो प्रोसेस होगा एडिशन का, प्लस माइनस का, वो डेफिनेटली फिर दो तरीके से हो सकता है, और ये माइंड आपका पहले सोच लिया होगा, क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड पे जब एडिशन होगा तो दो तरीके से हो सकता है। एक होगा नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म, तो ये तो केमिस्ट्री का लैंग्वेज होगा। रफ़ी सर का लैंग्वेज क्या है कि भाई नॉन क्लासिकल का मतलब है कि आपका डबल बॉन्ड जहाँ पे है वहीं पे आप ऐड कर रहे हो, मतलब कोई शिफ्टिंग नहीं, राइट? तो इसलिए मैंने देखो हिंदी में लिखा है, जस्ट आपको समझाने के लिए कि जहाँ पे पाई बॉन्ड है अगर वहीं पे ऐड हो रहा है, जैसे ये दो कार्बन के बीच पाई बॉन्ड है, इसी दो कार्बन पे अगर ऐड कर दिया आपने प्लस माइनस को, तो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन होंगे, और इसके जो रिएजेंट है वो फिक्स हैं। टोटल 5 रिएजेंट हमने दिखाए हैं, बस इतना ही ध्यान में रखो, इससे बाहर कुछ नहीं है। क्या क्या रिएजेंट है? BH3 13 ग्रुप वाला बोरॉन, BH3 इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 एंड OH-, राइट? इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जो भी हम डिस्कस भी करेंगे। HgOAc2 इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड, ऑक्सी मर्क्यूरेशन, डी मर्क्यूरेशन बोलते हैं। KMnO4, ध्यान रहे KMnO4 कोल्ड एंड डायलूट कंडीशन में, तो इस केस में भी यही होगा। हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर या HOX गिवन हो, राइट? और हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट या सिर्फ हेलोजन गिवन हो। ये 5 ऐसे केस हैं जो फिक्स हैं, और यही ध्यान में रखना है, ये 5 केस में आपको जहाँ पे पाई बॉन्ड होगा वहीं पे प्लस माइनस को ऐड कर देना है। क्या प्लस होगा, क्या माइनस होगा, वो आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे। दूसरा वो केस जहाँ पे क्लासिकल कार्बोकैटायन की बात होगी, डैट मीन्स जहाँ पे पाई बॉन्ड है वहाँ पे भी ऐड हो सकता है, अगर वही सबसे ज़्यादा स्टेबल पोजीशन है तो, अदरवाइज पहले शिफ्ट होगा।
कार्बोकैटायन शिफ्ट होंगे फिर उसके बाद ऐड होगा। तो इसमें दोनों पॉसिबिलिटी है, वहीं पे भी ऐड हो सकता है या फिर घूमने के बाद, समझे, दैट मीन्स शिफ्ट होने के बाद ऐड होंगे। तो फिर वैसे मैकेनिज्म को बोलेंगे क्लासिकल, और उसके भी हमारे पास दो ही हैं, एक HX का एडिशन, X यहाँ पे क्या, हेलोजन CLBr, राइट, और H+H2O का एडिशन। तो आई होप पहले ये मेरा फंडा क्लियर होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। नाउ अब हम बात करते हैं ट्रिक्स की। तो ट्रिक्स का पॉइंट वेरी सिंपल है, जब भी एल्कीन का पार्शियल ऑक्सीडेशन या ऑपरेशन करेंगे तो ट्रिक का पॉइंट क्या है कि ध्यान से देखो, जिन दो कार्बन, इसलिए मैंने हिंदी में लिखा, आपको बिल्कुल क्लियरली समझना है, बहुत सिंपल पॉइंट है, जिन दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, जिन दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है उसका एक पाई बॉन्ड ब्रेक कर देना है, क्योंकि उसमें एक सिग्मा होगा, तो सिग्मा को ब्रेक नहीं करना है, पाई को ब्रेक करना है, क्यों, क्योंकि पाई वीक होता है, तो कमजोर वाला पहले ब्रेक होगा, उसको ब्रेक कर देना है। उसको ब्रेक करने की वजह से उन दो कार्बन को रिएजेंट का जो एक प्लस और माइनस वाला पार्ट होगा वो देना, डैट मीन्स सिग्मा के साथ उसको लगा देना है, डैट मीन्स एक पाई ब्रेक होगा और दो सिग्मा बन जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि रिएजेंट कौन कौन होंगे जो ऐसा काम करेंगे पार्शियल ऑक्सीडेशन वाला, जहाँ पे पाई बॉन्ड है वहीं दो कार्बन पे लगाना है, यहाँ पे शिफ्टिंग अलाउड नहीं है, ये ध्यान रहे। नाउ पहला जो इसका रिएजेंट है वो BH3 लिख के दे सकता है, डैट मीन्स बोरॉन 13 ग्रुप वाला, या फिर BH3O2 लिख के दे सकता है, या B2H6, इन तीनों में से कोई भी दे दे, एक ही बात है, इससे क्या मिलेगा आपको, हाइड्रोजन। बात समझ में आ गया, इससे क्या मिलेगा, हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम लिया होता तो क्या मिल जाता, ड्यूटेरियम डी हो जाता, BD3 लिया होता तो डी मिलता मेरे को, तो एक डी ऐड करना है डबल बॉन्ड पे। दूसरा जो है उसी में कनेक्टेड रहेगा H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम OH-, तो इससे क्या मिलेगा आप ध्यान से देख सकते हो, OH। तो डैट मीन्स इस रिएजेंट से हमें क्लियर हो गया, एक H लेना और एक OH। H कौन देगा वो भी क्लियर है, डाइबोरेन देगा, और OH कौन देगा, परऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, H और OH ऐड करना है। H कहाँ ऐड करना है, तो उसके लिए सिंपल सा ट्रिक है, H वहाँ ऐड करना है जिस कार्बन पे कम हाइड्रोजन है। इस केस में आप हाइड्रोजन को ये जो BH3 या B2H6 है, इससे जो हाइड्रोजन मिलेगा उसको कहाँ ऐड करोगे, उस कार्बन पे जिसके पास कम हाइड्रोजन है, डेट मीन्स डबल बॉन्डेड वाले दो कार्बन है, तो उन दो कार्बन में देख लो कि किसके पास कम हाइड्रोजन है, उस पे उसको H देना है, डेट मीन्स उसको और H बढ़ा देना है एक तरीके से, समझ के बाद। इस प्रोसेस को बोलते हैं एंटी मार्कोनिकब, और इस रिएजेंट या इस रिएक्शन का नाम होगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मैं बोलूंगा HBO। ओके, इसका जस्ट अपोजिट है, जस्ट अपोजिट है जब मरकरी इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में गिवन हो, HgOAC2 लिख के दे देगा, या HG और इतना बड़ा दे देगा, ये दे करके बच्चे डर जाते हैं, वही बात है, इसको ओपन करके लिख दिया, और इन प्रेजेंस ऑफ वाटर होगा ये, तो इससे क्या मिलेगा, इन पूरे से आपको OH मिलने वाला है, क्या मिलेगा, OH, और सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो यहाँ देख सकते हो यहाँ से क्या मिलेगा, H। और इसका उल्टा करना, इसका उल्टा करना मतलब H अब कहाँ पे जाएगा, उस कार्बन पे जिस पे ऑलरेडी ज़्यादा H है, डबल बॉन्डेड वाले वो कार्बन जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है उसी पे H देना है, इसलिए ये मार्कोनिकब कहलाता है। और इसका नाम होगा, पहले मरकरी ऐड होता है तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन, और बाद में इस रिएजेंट के ऐड करने से उसको रिमूव करते हैं तो डीमर्क्यूरेशन, OMDM शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे। तो ये दो रिएजेंट हो गए, और हैं तीन और रिएजेंट जो यही काम करेंगे, जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा वहीं पे ऐड करना है, तो वो तीन रिएजेंट मैं आगे दिखा रहा हूँ। और नेक्स्ट थ्री जिस पे ये आपको कराना है, डैट मीन्स डबल बॉन्ड जहाँ पे वहीं पे ऐड होगा, वो ये है KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ कोल्ड एंड डायलूट कंडीशन गिवन हो, KMnO4 273 केल्विन या लो टेम्परेचर कोल्ड एंड डायलूट KMnO4, ये सब कुछ भी लिखा हो, तो इससे आपको क्या लेना है, दोनों OH लेना है, मतलब डबल बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों कार्बन पे OH लगाना है। इस रिएजेंट का नाम बियर्स रिएजेंट भी बोलते हैं, और ये डबल बॉन्ड के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि KMnO4 का पर्पल कलर डीकलराइज हो जाएगा, राइट। उसके बाद फोर्थ जो रिएजेंट यूज कर सकता है वो X2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, डैट मीन्स कोई पोलर सॉल्वेंट ले लिया, तो जब हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ऐसे करके दे सकता है, या ये दोनों जब रिएक्शन करेंगे तो HOX फॉर्म करेंगे, तो इसमें OH- और X+ है, तो एडिंग पार्ट ये दोनों है, एक जगह पे हेलोजन जोड़ना और एक जगह पे OH, राइट, और ये प्लस है, ये ध्यान रहे, और ये माइनस है। और सिमिलरली फिफ्थ
वही हेलोजन है लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो इन दैट केस दोनों केस में हेलोजन ही ऐड होंगे, राइट। एक हेलोजन पे प्लस, एक हेलोजन पे माइनस, जैसे Cl2CCl4, Br2CCl4, तो आपको कैसे पता लगेगा, नॉन पोलर कोई भी सॉल्वेंट दे दे तो ये करना है। तो ध्यान से देखो, तो थर्ड नंबर और फिफ्थ नंबर में आपको दिक्कत नहीं होगी, क्यों, क्योंकि दोनों का जो एडिंग पार्ट है वो सेम है, यहाँ OH ऐड होंगे और यहाँ XX ऐड होगा, तो किसी भी कारण पर ऐड कर दो, फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कहाँ पे पड़ने वाला है, पहले वाले दो में OMDM में, HBO में, और ये फोर्थ वाले में, कि कौन से कारण पे ऐड करना है, इधर वाले या उधर वाले। तो इस केस में आपको X वहाँ पे अटैच करना है जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन हो, जहाँ पे ज़्यादा H होगा वहाँ पे X ऐड करना है। डैट मीन्स, और हम बोले तो X को वहाँ पे ऐड करना है जहाँ पे लेस स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, क्योंकि मोर स्टेबल कार्बोकैटायन पे कौन जाएंगे, OH-। तो ये ध्यान रखना, इसको लेस स्टेबल कार्बोकैटायन पे ऐड करना और इसको मोर स्टेबल पे। तो आपको क्लियर है, राइट। आपको मैंने बता दिया HBO में क्या करना है, OMDM में क्या करना है, इन दोनों में तो दिक्कत ही नहीं है क्योंकि दोनों से सेम पार्ट ऐड होने वाले हैं, और इसमें X प्लस को लेस स्टेबल पे और OH- को मोर स्टेबल कार्बन पे ऐड करना है। तो चलिए हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 1, ये एल्कीन है, B2H6 H2O2 NOH, राइट, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो गया। आपको मालूम है इससे क्या मिलने वाला है, H, और इससे क्या मिलने वाला है, OH। इस H को कहाँ ऐड करना है, जहाँ पे, तो देखो डबल बॉन्डेड कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन कम है क्योंकि यहाँ पे एक ही, यहाँ पे दो है, तो ये H आपका कहाँ पे आने वाला है, इस कार्बन पे, और ये OH कहाँ जाने वाला है, इस कार्बन पे, और ये पाई बॉन्ड को आप क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो वेरी सिंपल, ध्यान से देखो, CH3, बाकी चीज़ें जैसे वैसा ही, CH2, इस कार्बन पे कम हाइड्रोजन था तो H आया, और इस कार्बन पे OH, जो पाई बॉन्ड आपका ब्रेक हुआ तो ये ओपन हो गया, तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान से देखो अगेन, इससे आपको अगेन क्या मिलने वाला है, H, और इससे OH, बस यही पहचानना है, राइट। और अगेन ये H कहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे कम हाइड्रोजन है, तो ये वाला H आपका यहाँ पे जाएगा, राइट। तो आपका प्रोडक्ट पहले केस में क्या बनेगा, सी पे CH3, इस कार्बन पे H और CH2, पाई बॉन्ड हमने हटा दिया, राइट, और इस पे H देना है और इस पे OH देना है, हो गया। बट इस केस में HgOH2 और NaBH4 में, तो आपको मालूम है इससे OH मिलेगा और इससे H, ये वाला H आप कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे ऑलरेडी ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो ये कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे। तो इस केस में क्या होने वाला है, बाकी चीज़ें को आपको वैसे ही रखना है, ये देखो मैंने वैसे ही रख दिया, सिर्फ ये पाई बॉन्ड को मैंने ब्रेक किया और यहाँ पे 2 सिग्मा से ओपन किया, और इसका हेच किसको जाएगा, जिसके पास ऑलरेडी ज़्यादा हेच था, तो इसके पास था, तो यहाँ हेच और यहाँ क्या गया, OH। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अगेन HgOC2 है, राइट, तो इससे आपको क्या मिलेगा, OH, और इससे क्या मिलने वाला है, हेच। तो ये हेच कहाँ ऐड करना है, उस कार्बन पे जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो आप यहाँ पे पहले दिखा लो, यहाँ पे बाय द वे 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी है और यहाँ पे सिर्फ एक ही है, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, तो ये कार्बन ने 3 बॉन्ड बना लिया, 1 हाइड्रोजन होगा, ये कार्बन ने 2 ही बॉन्ड बनाया तो 2 हाइड्रोजन होगा। ये हेच कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे ऑलरेडी ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो ज़्यादा हाइड्रोजन है तो मतलब यहाँ पे जाएगा। तो आपको प्रोडक्ट क्या बनाना है, बाकी चीज़ों को वैसे ही रहने देना है, राइट, ये हो गया आपका, और यहाँ पे आपका हेच आ गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH, सिंपल। नाउ इस केस में अगेन BH3THF है, तो इनसे आपको क्या मिलेगा, हेच, और इनसे क्या मिलने वाला, OH। इसका हेच कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे कम हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे बाय द वे आप ध्यान से देखो तो हाइड्रोजन ही नहीं है, राइट, क्योंकि कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिया, तो यह हाइड्रोजन आपका इस कार्बन पे आएगा। तो बस बाकी चीज़ों को वैसे ही रहने देना है। तो ये कार्बन पे 2 हाइड्रोजन पहले से था, उस पे OH आ जाएंगे और इस कार्बन पे आपका हेच आ जाएगा, सिंपल। तो इसमें एक तरह से ध्यान से देखो 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है और इसमें 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, ये वाले का कंसेप्ट मैं आपको दे रखा हूँ एल्कीन एडिशन में, उस वीडियो लेक्चर में भी देख सकते हो। यहाँ पे ये जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है, ध्यान से देख सकते हो, ट्रांस है, और ट्रांस को हमने बोला था कि माइनस मानो, ये जो एडिशन होता है वो भी एंटी होता है, तो ये माइनस 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 प्लस, प्लस मतलब सेम साइड, तो आपको क्या करना है, ये
इस तरह से ड्रा कर लेना, ये सी एच थ्री, ये सी एच थ्री, ये आपका सी एच थ्री यहाँ लग गया, ये सी एच थ्री आपका यहाँ लग चुका है, राइट। और ये माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये ट्रांस है, माइनस में एडिशन एंटी है, तो उसको भी माइनस लेते हैं। माइनस माइनस प्लस मतलब दोनों बी आर एक साइड होना चाहिए, तो आप ऐसे ऐड कर दो। तो एक ये हो गया, एक इसका मिरर इमेज बनाओगे तो वो हो जाएगा, राइट। बट दोनों कंपाउंड सिमिलर होंगे, क्यों? क्योंकि इसमें क्या आ चुका है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इसलिए ये कौन सा कंपाउंड है, मीजो, मीजो आइसोमर है, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें। तो ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछा जाए तो एक ही बताएंगे। सिक्स में यहाँ पे जो आपको कन्फिगेशन है, दोनों मिथाइल एक साइड है, तो ये सिस है। सिस को मैंने बोला था प्लस, एज्यूम करो बी आर टू का एडिशन एंटी होता है, तो माइनस प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस का क्या मतलब हुआ, दोनों मिथाइल को अप डाउन देखाओ। और ये प्लस माइनस माइनस का मतलब आपको समझाया था कि बी आर अपोजिट साइड में, तो एक बी आर इधर होगा तो एक बी आर इधर, राइट। तो ये मिलेंगे और ये खुद हो गया, और एक इसका मिरर इमेज होगा, राइट। यहाँ से देखो इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो मिरर इमेज को मैं यहाँ बना रहा हूँ, तो मिरर इमेज में जो मिरर के पास में होंगे वो दिखेंगे, राइट। तो ये तो ऊपर वाले और नीचे वाले मिथाइल सेम रहेंगे, हेच पास में आ जाएगा तो आपका बी आर इधर आ जाएगा, और इधर में बी आर आ जाएंगे तो इधर हेच। तो ये एक बन गया और एक ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है, ये दोनों इनान्शियोमर कहलाएंगे। तो इसलिए इस केस में मुझे नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछा जाता तो दो, बट इस केस में वन, क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम है, क्यों? ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। और ये मीजो कंपाउंड कहलाते हैं, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, और ये मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, बट इंडिविजुअल की बात करें ये या फिर ये, तो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। बाय द वे इसके बारे में एडिशन कैसे करना है, आपको पूरा एक ट्रिक दे रखा हूँ मैंने वीडियो लेक्चर में, एल्कीन एडिशन वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, एल्कीन है KNO4 H2O2, ध्यान से देखो टेम्परेचर, तो डैट मीन्स ये डायलूट कंडीशन में है, क्योंकि वाटर है और लो टेम्परेचर है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देना है, और इससे क्या मिलेगा बता रखा हूँ आपको, OH OH। तो इसलिए यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, दोनों कार्बन पे OH ही आना है, तो आपको कुछ नहीं सोचना, बस OH लेकर के आ जाना। तो इस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, कि अगेन ये एल्कीन है डायलूट KNO4, राइट। डायलूट मतलब वाटर हो गई, तो आपको मालूम है कि इससे क्या क्या मिलने वाला है, OH और OH। चूँकि दोनों पार्ट सेम है, इसलिए आपको इसमें सोचना ही नहीं है, बस डबल बॉन्ड पे ऐड कर देना है। तो यहाँ पे आपका एक OH आ जाएगा और एक OH यहाँ पे आ जाएगा, वेरी सिंपल। इस केस में ध्यान से देखो, क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर दिया है, या फिर इसी को कैसे दे सकता था, HOCl करके भी। तो आपको बताया था इसमें Cl पे प्लस है और OH पे माइनस है। तो पहले ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल अगर इस कारण पर अटैक करे तो ये निगेटिव को इधर रख सकते हैं, राइट। क्यों समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो, CH3 CH इस पे प्लस और CH2 इस पे माइनस। अगर मैं ऐसा करूँगा तो क्या फ़ायदा होगा, कार्बन आयन 1 डिग्री स्टेबल है, कार्बोकैटायन 2 डिग्री स्टेबल है, इसलिए हमें ऐसे ही ब्रेक करना पड़ेगा। तो पहले ये Cl इस पे अटैच होगा, तो फर्स्ट केस में आपका क्या बन जाएगा, CH3 CH पे प्लस CH2 Cl, ये हो जाएंगे, राइट, एक तरह से समझने के लिए। और फिर उसके बाद आपका OH माइनस इस पे अटैच हो जाएगा, तो आपका क्या बनने वाला है, फिर CH3 CH CH2 Cl और OH। इसीलिए मैंने बोला था आपको ट्रिक में कि Cl को वहाँ पे ऐड करना है जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन हो, और OH को वहाँ पे जहाँ पे लेस हाइड्रोजन हो। डैट मीन्स पहले आपको देखना है कि कार्बोकैटायन कहाँ पे स्टेबल हो रहा है, सिंपल सा बात है, वो ध्यान रखना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 10, ये बड़े स्ट्रक्चर देखकर के बच्चे डर जाते हैं, डरने की जरूरत नहीं है बेटा, रफ़ी सर आपके साथ हैं। कैसे, ध्यान से देखो, ये डबल बॉन्ड है, राइट। बेंजीन वाले को नहीं टच करना है, क्यों नहीं टच करना है, क्योंकि ये घूम रहे हैं तो ये पकड़ नहीं पाएगा, घूम रहे मतलब समझे ना, रेजोनेंस हो रहा है। तो आपको मालूम है कि इससे क्या मिलने वाला है मुझे, OH, और इससे क्या मिलने वाला है, H। H कहाँ पे ऐड करना है ये भी बता रखा हूँ, इस केस में H वहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो इस कारण पे अटैच होगा, तो बस उसका प्रोडक्ट बना दो। इसको क्यों नहीं किए सर, यहाँ तो वही डबल बॉन्ड था, इसको टच नहीं करना है, क्यों? क्योंकि ये मिलेंगे नहीं, घूम रहे होंगे, राइट। तो CH2 उसका दिए CH CH2 लिख लो, आपको पता है कि हाइड्रोजन इसी पे आएगा, तो इस पे H लगाओ, इस पे OH, आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा, राइट। ये ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन हो गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 11, अगेन इस टाइप से दे दिया, एक बार HBO ऐसे और पे लिख सकता है, राइट। HBO का मतलब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, डैट मीन्स आपको कौन सा रिएजेंट लेना, वही BH3 H2O2 H- और OMDM कहीं पे लिख दे तो
ये वाला ही रिएजेंट हो जाएगा, राइट। करना क्या आपको मालूम है, दोनों में एक दूसरे का उल्टा होना है। करना क्या है, इससे जो आपको हेच मिल रहा है वो कहाँ पे जाएगा, वो वाले पे जिस पे ऑलरेडी कम हाइड्रोजन है। कम हाइड्रोजन किस पे है, इस कार्बन पे, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ये हाइड्रोजन को यहाँ ऐड करना है। तो OH इसका कहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये वाले कार्बन पे। तो देखो कुछ नहीं करना आपको, बाकी जो चीज़ें जैसे बनी है यहाँ पे OH लगा देना, क्योंकि H आ चुका है। और इसमें क्या करना है, उसका उल्टा करना है। उसका उल्टा करने का मतलब क्या हो गया कि आपका यहाँ पे OH आ जाएगा। तो बाय द वे यहाँ पे ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गया और ये अभी भी 1 डिग्री है। तो आप ध्यान से देख सकते हो HBO में मेजरली 1 डिग्री अल्कोहल मिलेंगे, जबकि OMDM में 2 डिग्री भी मिल सकता है, 3 डिग्री डिपेंडिंग की क्या लगा हुआ है। हेलो बच्चों, कैसे हो, आई होप आपने मेरा एल्कीन का ऑपरेशन वाला वीडियो लेक्चर देख लिया होगा। एक वीडियो लेक्चर में हमने कंप्लीट ऑपरेशन किया था, एक में पार्शल किया है, आज भी मैं पार्शल कर रहा हूँ। तो आज के वीडियो लेक्चर में डिफरेंट ये होगा कि जिन दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है उन पे भी ऐड हो सकते हैं, या फिर उनको छोड़ करके दूसरी जगह पे भी ऐड हो सकते हैं। तो उसके लिए क्या रिएजेंट होंगे और कैसे करना है वो आप देखिए इस वीडियो लेक्चर में। तो ध्यान से देखिए ट्रिक का पॉइंट कि अगर कहीं पे भी आपको H+H2O दिख जाए, एक तो रिएक्टेंट फिक्स हो गया, एल्कीन होगा, राइट, एल्कीन के साथ H+H2O दिख जाए, या उसी को H3O+ भी लिख सकता है, राइट, या फिर HCl HBr विथ नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक CCl4, HCl इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, HBr इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, राइट, नॉन पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर पोलर सॉल्वेंट हो गया तो आपको बता रखा हूँ कि फिर वो पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा और जिन दो कार्बन के बीच डबल बॉन्डेंगे उन्हीं दो कार्बन पर ऐड होंगे, बट यहाँ पे वहाँ पे भी ऐड हो सकते हैं या शिफ्ट होने के बाद भी। तो ये दो रिएजेंट फिक्स हो गए कि एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ H+H2O दिख जाए या H3O+, और एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ HCl HBr दिख जाए इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो करना क्या है, तो वेरी सिंपल, आपको कार्बोकैटायन बना लेना है। कौन सा साइड, क्योंकि दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो इस कारण पे बनाना है कि उस कारण पे, तो उधर बनाना है जिधर स्टेबल हो जाए वो कार्बोकैटायन, राइट। स्टेबल साइड पहले कार्बन पे प्लस ले आना है, कार्बोकैटायन बनाना है, फिर अगर वही सबसे ज़्यादा स्टेबल पोजीशन है तो वहीं पे ऐड कर देना है। अदरवाइज अगर शिफ्टिंग या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो पहले रीअरेंज कराना है, उसके बाद आपका निगेटिव पार्ट न्यूक्लियोफाइल को जोड़ना है। ट्रिक का ये पॉइंट है, समझ गए। और ये कब करना है, जब ये दो रिएजेंट आप लेंगे, पहले वाले रिएजेंट लेंगे तो उसका नाम हो जाएगा हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, क्योंकि एक कार्बन पे H जाएगा और एक कार्बन पे OH, डैट मीन्स अल्कोहल मिल जाएगा इस केस में आपको, तो इसलिए उसका नाम रहेगा हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। और अगर दूसरा वाला रिएजेंट लोगे तो एक कार्बन पे H जाएगा और एक कार्बन पे आपका हेलोजन X जाएगा, राइट, तो इसलिए उसका नाम होगा हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। एक पे हाइड्रोजन जाएगा, एक पे हेलोजन, वो दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पे ही हाइड्रोजन हेलोजन जाएंगे या अलग कार्बन पे, वो डिसाइड होगा यहाँ से, इसलिए मैंने इसको डिफरेंट वीडियो लेक्चर में बताया है आपको। नेक्स्ट जो डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, HBr, सिर्फ और सिर्फ HBr के केस में, और पर ऑक्साइड होगा तो ध्यान दे, ओनली HBr होगा तो HCl होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, HI होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, HBr इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड दिख जाए। पर ऑक्साइड कैसे दे सकता है, H2O2, कोई भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच पर ऑक्सी लिंकेज हो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, तो अगर HBr इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड दिख जाए तो उस केस में आपको ध्यान देना है जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है वहीं पे आपको ऐड करना है ब्रोमीन। यहाँ पे वही दो कार्बन पे ऐड होंगे, और ऐड कैसे करना है, तो एंटी मार्कोनिकब। एंटी मार्कोनिक का मतलब क्या हो गया कि ब्रोमीन को वहाँ पे ऐड करो जहाँ पे ऑलरेडी ज़्यादा हाइड्रोजन है। पॉइंट को क्लियरली समझेंगे, इस केस में जब भी HBr परऑक्साइड होगा तो जो दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होंगे वहीं पे एक पे H जाएगा और एक पे Br जाएगा। H किस पे जाएगा वो छोड़ो, Br किस पे जाएगा वो क्लियर हमें, Br को आपको उस कार्बन पे ऐड करना है जिस कार्बन पे ज़्यादा हाइड्रोजन है। इस इफेक्ट का नाम को बोलते हैं खराश इफेक्ट, एक और नाम दिया जाता है, बट ये कौन सा करेगा, ओनली HBr इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। अगर सिर्फ HBr होता तो आप ध्यान से देखो फिर यहाँ आ जाता, परऑक्साइड होगा तब ये करना है। और तीसरा,
हैलोजन लाइक Cl2Br2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट लिखा हो, या H2 फ्रीक्वेंसी लिखा हो, या UV लाइट लिखा हो, इस टाइप से कुछ भी लिखा हो और क्लोरीन या ब्रोमीन हो, तो इस केस में बिल्कुल अलग चीज़ है। एलाइलिक पोजीशन पे आपको हैलोजन लगाना है। कहाँ पे? एलाइलिक पोजीशन। एलाइलिक पोजीशन का क्या मतलब है? जिन दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है उसके बगल वाले कार्बन पे, और वो कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? sp3। डैट मीन्स वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, तो उस पर आपको क्या लगाना है? हैलोजन लगाना है। बात समझ में आ गई? तो अब हम बात करते हैं इसके अप्लीकेशन की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कि ये एल्कीन है इन प्रेजेंस ऑफ H+H2 है, राइट। तो आपको क्या करना है? आपको बताया कि पहले आपको कार्बोकैटायन बना देना, राइट। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पे इस कारण पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा, तो मैं जस्ट बना के दिखा रहा हूँ। क्यों स्टेबल होगा? क्योंकि हमने क्या किया, ध्यान से देखो, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक किया, इससे क्या मिलने वाला है? एक H और एक OH। पहले H+ को ऐड कर देना है। तो H+ एक्चुअली किस कार्बन पे गया? इस कार्बन पे। इसी पे क्यों ऐड किए? क्योंकि यहाँ पे ऐड करने से क्या फ़ायदा हुआ, ध्यान से देखो, यहाँ पे प्लस आया और ये प्लस 6 अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबल होंगे। कार्बोकैटायन 2 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल होगा, इसलिए आपको यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद आपको OH लगा देना है। अभी ये कार्बन पे प्लस जो चार्ज है वो यहीं पे रहेगा, क्योंकि यही सबसे इसकी स्टेबल पोजीशन है, तो अभी ये कहीं पे भी रीअरेंज नहीं होगा। तो आप OH फिर ऐड कर दो और आपको ये मिल जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, अगेन ध्यान से देखो, H3+ है, आपको मालूम है इससे एक H+ है हमारे पास और एक OH- है। पहले H+ को ऐड कर देंगे, वो तो सिंपल है। आप ध्यान दो कि इस कार्बन पे ऐड करोगे कि इस कार्बन पे, तो डेफिनेटली इधर वाले पे, क्योंकि यहाँ पे प्लस ज़्यादा स्टेबल होगा। तो पहले केस में आप ध्यान से देखो, 5 मेंबर रिंग बना लो आप, इधर ये था, इस कार्बन पे प्लस किया और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था और एक और CH3। क्यों किया? क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया और 3 अल्फा हाइड्रोजन भी इसके पास है, तो ये स्टेबल है, इसलिए कार्बोकैटायन हम इस साइड नहीं बनाएंगे। अब यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन हो सकता है, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज रिंग वाले कार्बन के जस्ट आउटसाइड वाले कार्बन पे, तो हमने इसका ट्रिक आपको दे रखा है, इस पे 1 कर देना है, 2 उसका रिंग में जाना है, 3 4 5 6, उसका हमने बोला था आँख बंद करके आप 6 मेंबर की एक रिंग बना लो, जहाँ से मन करे वहाँ से नंबरिंग। ध्यान से देखो, मैं इधर से नंबरिंग कर दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, जहाँ से मन करे नंबरिंग कर दो और कार्बन नंबर 2 पे पॉजिटिव चार्ज आप डाल दो। उसके बाद आप ध्यान से देखो क्या है, ये देखो, ये 1 2 3 4 5, ये सब तो रिंग में आ गए हैं। ध्यान से देखो तो 2 पे ही क्या होगा आपका, एक मिथाइल ग्रुप लगा होना चाहिए, तो 2 पे एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया, और एक मिथाइल ग्रुप कहाँ पे, ध्यान से देखो, 1 पे, तो 1 पे लगा दिया। ध्यान से देखो, 1 पे एक मिथाइल लगा हुआ है, 2 पे एक मिथाइल लगा हुआ है, वो लगा दिया। बहुत सिंपल है रीअरेंज कराना। उसके बाद ये कार्बोकैटायन यहीं पे स्टेबल है, क्यों? 3 डिग्री है और 3 और 1 4 और 2 6 6 अल्फा हाइड्रोजन भी है, तो स्टेबल है। तो अब आपको OH- यहाँ पर ऐड कर देना है और आपका प्रोडक्ट हो जाएगा ये, सिंपल। तो क्या चेंजेज क्या हुआ सर पहले वाले से? तो वही मैं कह रहा हूँ कि जिन दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड था वहीं पे आपका H और OH ऐड नहीं हुआ है। H तो चलो उसी कार्बन पे हुआ, OH ध्यान से देखो घूम फिर के रीअरेंजमेंट होने के बाद कहीं और जाकर के ऐड हुआ है। इस केस में बाय द वे वैसा हो रहा है कि उन्हीं दो कार्बन के बीच ऐड हो रहा है। ध्यान से देखो, यहाँ पे एक H आया, यहाँ पे एक OH आया, तो यहाँ पे तो वैसा ही केस है बाय द वे। तो इसलिए मैंने वो पॉइंट लिखा था कि अगर कार्बोकैटायन वहीं पे स्टेबल है तब तो वहीं पे ऐड हो जाएंगे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पहले रीअरेंज होगा फिर ऐड होगा, तो इसलिए इसमें दोनों तरह के चेंजेज होंगे, उसको आपको कार्बोकैटायन बना करके ही देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखो, H+H2O है, एल्कीन है, तो हम कार्बोकैटायन बनाएंगे, राइट। तो कार्बोकैटायन आप बनाओगे किस साइड? यहाँ पे, क्योंकि 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल, यहाँ पे नहीं बना सकते, राइट, यहाँ पे बनाना है। अब ध्यान से देखो, तो ये 2 डिग्री है, यहाँ से ये यहाँ शिफ्ट हो सकता है वाया हाइड्राइड शिफ्ट, तो H- शिफ्ट कर दो। H- शिफ्ट मतलब समझे, आपको वहाँ का H यहाँ ले आना है, प्लस को वहाँ ले जाना है, तो इसलिए स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं देखेगा, सिर्फ प्लस यहाँ आ जाएगा। अब ये मोस्ट स्टेबल पोजिशन होगी, क्योंकि यहाँ पर 3 डिग्री हो गया और
8 अल्फा हाइड्रोजन हो गए इसके पास, तो अब आप OH ऐड कर देंगे OH माइनस, तो आपका प्रोडक्ट ये मिलेगा। तो क्या चेंजेज क्या हुआ कि जिन दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है वहीं पे दोनों पार्ट ऐड नहीं हुआ है, एक पार्ट H यहाँ ऐड हुआ है जरूर, लेकिन OH इस कार्बन को छोड़ करके इस कार्बन पे हुआ है। तो ये चेंजेज होंगे इन सब रिएजेंट में। वैसे एक और केस H3O+, इन दो कार्बन के डबल बॉन्ड है, पहले हम कार्बो कटायन बनाएंगे, इधर ये स्टेबल होगा राइट, क्योंकि 3 डिग्री हो गया, अब ये यहीं पर स्टेबल है, रीअरेंज नहीं होगा, तो यहीं पर आपको OH माइनस ऐड कर देना है। तो यहाँ पे इस केस में क्या हुआ, ध्यान से देखो कि जिन दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड था वहीं पे एक जगह पे H एक जगह पे OH ऐड हुआ है। तो ऐसा भी हो सकता है कि उन्हीं दो कार्बन के बीच हो, लेकिन कब होगा, जब वही सबसे स्टेबल पोजीशन होगी, नहीं तो कार्बो कटायन बनाओ, रीअरेंज कराओ, रीअरेंज का मतलब उसको पहले घुमाओ फिराओ, फिर उसके बाद OH माइनस जा करके वहाँ पर लगाओ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान से देखो, तो आपको HBr इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो पहले कार्बो कटायन बनाना राइट, इस कार्बन पे बनाएंगे क्योंकि 2 डिग्री होगा स्टेबल होगा, तो बाकी चीज़ों को आप वैसे ही रहने दो राइट, और यहाँ पे आपने बना दिया ये प्लस। उसके बाद यहाँ पे रिंग एक्सपेंड मत कराना क्योंकि ऑलरेडी ये 6 मेंबर है, 6 मेंबर सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। तो अब क्या होगा, ये जो मिथाइल है ये शिफ्ट होंगे, तो एमी शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, तो क्या करना है, इसको आपको यहाँ पहुँचा देना, पॉजिटिव को यहाँ ले आना है। तो ध्यान से देखो, वेरी सिंपल, हमने क्या किया, यहाँ पे का मिथाइल यहाँ लगा दिया और प्लस यहाँ पे ले आया राइट। अब ये जो कार्बो कटायन है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि 2, 2, 4 और 1, 5 अल्फा हाइड्रोजन है और 3 डिग्री ऑलरेडी हाई स्टेबल है। अब आप Br- को ऐड कर देंगे और आपका प्रोडक्ट बन करके हो जाएगा तैयार। तो ये आपके हो गए प्रोडक्ट। तो अगेन आप ध्यान से देखो क्या हुआ कि H तो यहाँ पे जरूर लगा लेकिन Br यहीं पे नहीं लगा, Br देखो शिफ्ट होकर के लगा, इसलिए ये वो केस है जहाँ पे कार्बो कटायन बनेंगे फिर शिफ्टिंग होगी, फिर उसके बाद आपको न्यूक्लियोफाइल को ऐड करना है। सिमिलरली इस केस में 2 मोल्स HBr लिए गए राइट, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल कार्बो कटायन बनेगा, क्यों, क्योंकि 3 डिग्री होंगे और अल्फा एच ज़्यादा होंगे। बट इस केस में यू नो इसका कौन सा इफेक्ट है, माइनस एम इफेक्ट या फिर माइनस आई, तो कार्बो कटायन यहाँ पे नहीं बनाएंगे, यहाँ पे जितना दूर होगा इससे उतना अच्छा है राइट, क्योंकि स्टेबिलिटी को ये कम करते हैं कार्बो कटायन की। तो आपको कार्बो कटायन कहाँ कहाँ पर बना के दिखाना है, एक तो यहाँ पे क्योंकि स्टेबल होगा, और यहाँ पे NO2 लगा है तो यहीं पे नहीं, यहाँ पे दूर पे, ताकि ये इससे दूर रहे राइट। अब उसके बाद आप Br- को ऐड कर देंगे तो आपका प्रोडक्ट हो जाएगा तैयार। तो इस केस में हमें ये प्रोडक्ट मिलेंगे। सिमिलरली इस केस में HCl राइट, तो अगेन आपको पहले क्या करना पड़ेगा, कार्बो कटायन यहाँ पे स्टेबल है, क्यों, क्योंकि 2 डिग्री है राइट, उसके बाद रीअरेंजमेंट हो जाएगा H- शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट होकर करके आपका प्लस यहाँ पे आ जाएगा, फिर Cl- को ऐड करना है। तो बस ये पॉइंट्स सबको आपको ध्यान में रखना है, फिर Cl- को ऐड करना है। सिमिलरली इस केस में वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो, फिर से आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इस कार्बन पे मिथाइल ग्रुप था और इसी पे प्लस लाना और इस पे एक और मिथाइल हो जाएंगे राइट, एक ये मिथाइल, इसको ऐसे दिखा दिया, चाहो तो लिख दो CH3 और इस पे एक और हाइड्रोजन ऐड होने से CH3। अब अगेन ये 4 मेंबर रिंग है, उसके जस्ट बाहर वाले पे पॉजिटिव है, तो अब रिंग एक्सपेंशन होगा, तो इसको 1 देंगे, इसको 2, 3, 4, 5, तो आपको मैंने बोला कि आप 5 मेंबर रिंग आँख बंद करके बना लें, जहाँ से मन करे नंबरिंग कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, 2 पे आप दे देंगे पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद ध्यान से देखें, 1 पे ही इसके पास 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, कार्बन नंबर 1 पे, तो 1 पे लगा दो 2 मिथाइल, उसके बाद मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, अभी भी ये यहाँ पे नहीं रुकेगा, एमी शिफ्ट, मिथाइल यहाँ पे, पॉजिटिव यहाँ पे, तो आपका इस टाइप से हो जाएगा और पॉजिटिव यहाँ पे। उसके बाद आपका न्यूक्लियोफाइल Br- को आप ऐड कर दें, तो इसका प्रोडक्ट हो जाएगा आपका, आप देख सकते हो ये। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, HBr है और अगेन एल्कीन है, तो आपको मालूम है कि यहाँ पे कार्बोकोटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि पॉजिटिव सिंगल और ये pH मतलब बेंजीन रिंग है, तो रेजोनेंस में जाएंगे, तो इसलिए आपको कैसे करना है pH और यहाँ पे Br लगा हुआ, आपका Br यहाँ पे लगेगा क्योंकि कार्बोकोटाइन यहाँ पे स्टेबल होंगे, राइट। यहाँ पे HI है तो आपको मालूम ही है फर्स्ट केस में आप क्या करोगे, यहाँ पे कार्बोकोटाइन बनाओगे। अब यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है तो मिथाइल शिफ्ट होगा, एक मिथाइल यहाँ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ तो मिथाइल शिफ्ट कर दो आप, राइट, और यहाँ पे पॉजिटिव। उसके बाद यहाँ पे आपको आई माइनस लगाना है तो आपका ये प्रोडक्ट बन करके तैयार हो जाएगा। सिमिलरली इस केस में HCl है, एल्कीन है, राइट, तो पहले केस में तो आप क्या बनाएंगे, कार्बोकोटाइन, आपको बता रखा हूँ कि आपको पहले कार्बोकोटाइन बनाना और वो यहीं पे स्टेबल होगा इस वाले कार्बन पे क्योंकि 3 डिग्री हो जाएंगे। अब ये कार्बोकोटाइन ध्यान से देखो, 5 मेंबर रिंग के जस्ट आउट साइड में, तो आपको रिंग एक्सपेंशन कराना है 1, 2, किधर भी साइड जा सकते हैं कोई सब्जेक्ट, 3, 4, 5, 6, राइट। अब आपको बता रखा हूँ कि आप 6 मेंबर रिंग बना लो, तो ध्यान से देखो ये पहले से थी, इसमें 6 मेंबर रिंग अब बना दो। नंबरिंग यहाँ पे ध्यान देना है कि 4 और 5 नंबर कार्बन आपका फिक्स है क्योंकि वो दोनों कॉमन है, तो 4, 5 कर दो तो ये हो गया 6, तो इधर 3, इधर 2, इधर 1, ऐसे कर दो आप। ध्यान से देखो कि 2 पे मैंने आपको बोला कि 2 पे पॉजिटिव देना और 1 पे ही यहाँ पे 2 मिथाइल है, तो 1 पे 2 मिथाइल आप लगा दो, वेरी सिंपल। उसके बाद अगेन मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, राइट, तो मिथाइल शिफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा और यहीं पे आपका Cl ऐड कर देना है, तो फाइनली Cl आप यहीं पे ऐड कर दो और आपका ये प्रोडक्ट हो जाएगा। सिमिलरली इस केस में अगर सपोज को रिएक्शन HBr से करा रहे हैं तो अगेन इस कारण पे पॉजिटिव स्टेबल होगा, ये सिमिलर टू दिस केस है, क्यों, क्योंकि इस कारण पे प्लस आएगा तो पॉजिटिव सिंगल डबल से रेजोनेंस हो जाएंगे, तो सिंपल आपको क्या करना है, CH, CH2, CH3 हो जाएगा और इस पर आपको Br ऐड कर देना। ध्यान दे बेंजीन वाले डबल बॉन्ड को टच नहीं करना है क्योंकि आपको बता रखा हूँ वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, घूम रहे हैं वो, तो HBr उसको पकड़ नहीं पाएगा। इसलिए अगर आपको कहीं पे ऐसा केस आ जा रहा है कि बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ HBr तो यहाँ पे कोई रिएक्शन आपको नहीं कराना है क्योंकि ये बेंजीन का डबल बॉन्ड क्या हो रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी नॉर्मल कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कि ये एल्कीन और HBr इन प्रेजेंस ऑफ, ध्यान से देखो, परऑक्साइड है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी शिफ्टिंग वगैरह नहीं करना है, आपको बोला है कि Br कहाँ पे ऐड करना है, जिस कारण पे डबल हाइड्रोजन है, और H और Br उसी कारण पे ऐड होंगे जिन दो कारण के बीच डबल बॉन्ड है, तो राइट, तो CH3, CH2, CH सिंगल बॉन्ड CH2, राइट। Br इस कारण पे ऐड होगा क्योंकि इसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो Br आपका यहाँ जाएगा और H यहाँ पे कोई कार्बोकोटाइन, कोई शिफ्टिंग नहीं, तो इसलिए ये एंटी मार्कोनिक है, क्योंकि अगर H2O2 नहीं होता, ध्यान से देखो, H2O2 नहीं होता, सिर्फ HBr होता, तो फिर आपका Br यहाँ पे ऐड होता क्योंकि यहीं पे कार्बोकोटाइन स्टेबल था, राइट। सिमिलरली HBr H2O2 है, एल्कीन है, तो आपको कैसे करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, ये वाले कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, राइट, क्योंकि यहाँ पे तो हाइड्रोजन ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको Br ऐड करना, यहाँ पे H ऐड हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे पूछा जा सकता है कि इस केस में नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताओ, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, तो ध्यान से देखो, ये कार्बन भी आपका कायरल हो चुका है, चारों ग्रुप डिफरेंट, और ये कार्बन भी कायरल हो चुका है, चारों ग्रुप डिफरेंट, इसलिए नंबर ऑफ प्रोडक्ट 2 की पावर 2, डेट इज 4 हो जाएंगे, राइट। और अगर सिर्फ HBr होता है, H2O2 नहीं होता, तो आप ध्यान से देखो, आप क्या करते हैं, पहले आप एक कार्बोकोटाइन बनाते, राइट, और कार्बोकोटाइन यहीं पे बनाते हैं क्योंकि यहीं पे ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद यहीं पे स्टेबल है क्योंकि 3 डिग्री है, अल्फा हाइड्रोजन भी ज़्यादा है, तो अब आप Br ऐड कर देते तो आपका Br यहीं पे ऐड हो जाता। ध्यान से देखो, तो ये कार्बन कायरल नहीं हुआ क्योंकि इधर भी इथाइल है, इधर भी इथाइल है, दोनों सेम है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछता तो 1 होता, इसीलिए सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसलिए आपको रिएजेंट को केयरफुल्ली ऑब्जर्व करना है कि क्या है, थोड़ा सा चेंज होगा सब कुछ चेंज हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट कि
इसको बोलते हैं एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, राइट, शॉर्ट फॉर्म में NBS लिख सकते हैं। तो इसका भी वही काम है जो काम आपका हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट HF या लाइट लिख दे, राइट, या UV रेज लिख दे आपका, राइट, जो काम यही करेगा वही काम आपका NBS भी करेगा, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड भी करेंगे, राइट। ओनली थिंग इज कि यहाँ पे ब्रोमीन होगा तो होगा या क्लोरीन भी होगा तो यहाँ पे ब्रोमीन ही होता है क्योंकि नाइट्रोजन पे ब्रोमीन लगे होते हैं। नाउ करना क्या है, तो जैसे ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट दे दिया या NBS, तो एलाइलिक पोजिशन पे, ट्रिक का पॉइंट ध्यान से देखो, एलाइलिक पोजिशन पे, तो यहाँ पे जो फ्री रेडिकल होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि 3 डिग्री है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड को इस केस में कुछ नहीं करना है, ये ध्यान रहे, इन सब केस में डबल बॉन्ड को कुछ नहीं करना है, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होनी चाहिए, उस पर आपको ब्रोमीन लगा देना है। सिमिलरली ब्रोमीन लाइट है या NBS, तो आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड को वैसे ही रह देना है, डबल बॉन्डेड कार्बन के बगल वाले कार्बन पे ब्रोमीन ऐड कर देना है, इस केस में केयरफुल रहना है। सिमिलरली ब्रोमीन यूवी लाइट है तो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसके बगल वाला कार्बन यहाँ है तो इस पे लग जाएगा, राइट, बाकी चीज को वैसे ही रहने देना है। तो यहाँ पे आपका CN था, डबल बॉन्डेड कार्बन CH2 CH3, तो उसके बगल वाले कार्बन पे BR लगा देना। सिमिलरली क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट है, अगर एक्सेस में हुआ तो जितने भी एलाइलिक पोजिशन है सब पे लगाना, राइट, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये भी एलाइलिक पोजिशन है और ये भी एलाइलिक पोजिशन है, इसलिए आपको दोनों जगह पे क्लोरीन लगा देना है, बट डबल बॉन्ड को टच नहीं करना है, ये पॉइंट ध्यान में रहे। तो जब भी हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट या NBS हो तो डबल बॉन्डेड कार्बन के बगल वाले कार्बन पे जिसका हाइड्रोजन sp3 है उस पर आपको लगाना है हैलोजन। नाउ जाते जाते ज्ञान की बात, और डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर इस टाइप से कभी क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पे जो बच्चे गलती करते हैं, HCl है उनको लगता है ये कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि 2 डिग्री है, बट बेटा यहाँ पे ध्यान देना है 3 फ्लोरीन है, तीनों फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट लगेगा तो यहाँ पे कार्बोकैटायन अनस्टेबल होगा, इसलिए इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, कार्बोकैटायन इधर बनाना पड़ेगा, इसलिए यहीं पे आपको Cl ऐड करना और इधर में H, इस बात का आपको ध्यान रखना है, राइट। सिमिलरली इस केस में अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे कार्बोकैटायन अगर बनाएंगे तो ज़्यादा स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि लोन पेयर सिंगल पॉजिटिव से रेजोनेंस होगा क्योंकि इसका प्लस M इफेक्ट होगा, तो इसलिए इस केस में जरूर है कि आपको इस कार्बन पे ही BR लेके आना पड़ेगा, तो इस पे H लगेगा और इस पे BR। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर HBr और टेम्परेचर रूम टेम्परेचर, तो यहाँ पे थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बनाना है, डैट मीन्स करना क्या आपको कि पहले तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होंगे, राइट, और ये डबल बॉन्ड ब्रेक होकर के यहाँ पे पॉजिटिव ही है, और अभी BR आपको नहीं लगाना है, क्यों, क्योंकि ये डबल बॉन्ड पॉजिटिव सिंगल डबल से रेजोनेंस करेगा, तो रेजोनेंस आप करा लो और यहाँ पे आप पॉजिटिव ले आओ वायर रेजोनेंस, उसके बाद आप यहाँ पे BR ऐड कर दो तो आपका प्रोडक्ट इस टाइप का रहेगा। इससे क्या फ़ायदा हुआ, जो एल्कीन मिला वो ज़्यादा स्टेबल होंगे क्योंकि यहाँ पे 3 अल्फा H, यहाँ पे 3 अल्फा H है और यहाँ पे 2 अल्फा H, 8 अल्फा H है, इसलिए हम TC बोलते हैं उस प्रोडक्ट को, थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट आपको बनाना है ऐसे केस में, तो इम्पोर्टेंट है ये। सिमिलरली अगर HBr एक्सेस में है तो यहाँ पे तो क्लियर हमें कि यहाँ पे कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, राइट, और यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, ये वाला हम नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इधर से ब्रेक करोगे तो कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव अनस्टेबल है, राइट, तो इधर से ब्रेक करेंगे तो इसको H मिल जाएगा आपका और उसको BR मिल जाएंगे, राइट, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऊपर से तो आपका हो जाएगा, इधर से फिनॉल H आ गया और यहाँ पे CH पे CH3 था और इस पे क्या होना जाएगा, BR, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन स्टेबल होंगे। हेलो एवरीवन, कैसा कहा है, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन के बारे में, एंड जो ट्रिक्स एंड कंसेप्ट दूंगा उससे आप इस पे बेस्ड आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को बहुत इजीली कर लोगे। तो ध्यान से देखो, ऑक्सीडेशन हमें अल्कोहल का कराना है, एल्डिहाइड का कराना है एंड एल्केन का कराना है।
अल्कोहल मीन्स वॉट, जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच होना चाहिए वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। ध्यान से सुने मेरी बात, जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच होंगे वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। इसीलिए ये कार्बन के जो रेस्ट 3 बॉन्ड है, इधर आइदर कार्बन हो सकते हैं या हाइड्रोजन, कार्बन या हाइड्रोजन, कार्बन या हाइड्रोजन हो सकते हैं। डैट मीन्स इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए और इससे एक OH ग्रुप अटैच होना चाहिए। तो इसका हमें कराना है। एल्डिहाइड तो आपको मालूम है, सी डबल बॉन्ड ओ और ये H फिक्स हो गया, कार्बन के 3 बॉन्ड फिक्स हो गए, तो इधर जो एक बॉन्ड बनेगा आइदर वो कार्बन से अटैच होंगे या फिर हाइड्रोजन से, इसलिए उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, राइट। और एल्केन में एलिफैटिक का कराना हमें, एलिफैटिक इन द सेंस sp3 वाले कार्बन होंगे। और एरोमेटिक का कराना, एरोमेटिक का भी सेंस यहाँ पे यह है कि बेंजीन रिंग वगैरह लगे होंगे, उससे जो डायरेक्ट कार्बन अटैच होंगे वो वाले साइड चेन ऑक्सीडेशन इसको बोलते हैं, अगेन इसका भी हाइड्रेशन sp3 होना चाहिए। तो पहले क्या क्या होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए आपको। नाउ ट्रिक का जो पॉइंट है डैट इज वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आगे मैं यूज करूँगा। कभी भी एक कार्बन पे, ध्यान दे एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप होंगे तो उस केस में वाटर आपको बाहर कर देना है। क्यों? एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप अनस्टेबल होते हैं, क्यों? क्योंकि इसके पास भी लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर, तो बहुत ज़्यादा रिपल्शन होगा, अनस्टेबल रहेगा, इसलिए वाटर बाहर कर देंगे, एक से H एक से OH, तो क्या बन जाएगा? सी डबल बॉन्ड हो, तो ये बन जाएगा। इस पॉइंट का आप ध्यान में रखना, आगे मैं बहुत बार यूज करने वाला हूँ उसके पॉइंट को। लिखा मैंने कि हर एक कार्बन पे, ईच कार्बन कैन कंटेन मैक्सिमम वन OH ग्रुप, एक कार्बन पे एक OH हो सकता है, एक से ज़्यादा होगा तो वाटर आपको बाहर निकाल देना है, ओके। उसको एक और एग्जांपल समझाया कि जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप आ गए तो वाटर बाहर कर देंगे तो ये बन जाएगा। बट यहाँ पे भी दो OH है बट अलग अलग कार्बन पे, ध्यान दो अलग अलग कारण पे, तो इस कारण पे एक OH है डैट इज ओके, अगेन इस कारण पे OH है डैट इज ओके, ऐसा स्टेबल है, इसमें नहीं निकालना है, एक ही कार्बन पे होगा तो आपको निकाल देना। नाउ ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, राइट। तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या यूज करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। एक होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डैट मीन्स ना तो ये ज़्यादा स्ट्रांग है ना ही ज़्यादा वीक है। कौन कौन है तो फिक्स है, बस इतना ही ध्यान में रखना है। CrO3 क्रोमियम के ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस मीडियम, एनहाइड्रस मतलब वाटर वगैरह या एसिड या बेस, कोई ये मीडियम नहीं होना चाहिए, राइट। दूसरा होता है पायरीडीन इन प्रेजेंस ऑफ HCl, कोई भी एसिडिक मीडियम एंड CrO3, ध्यान देना इन दोनों में डिफरेंस है, पायरीडीन इन प्रेजेंस ऑफ HCl एंड CrO3, तो इसको बोलते हैं पायरीडीन क्लोरोक्रोमेट, शॉर्ट फॉर्म में PCC भी लिखा हो सकता है एरो पे, तो ये ध्यान देना। वैसे ही इसका बड़ा भाई है पायरीडीन डाइक्रोमेट, PDC, राइट। तो ध्यान से देखो, अगर कहीं पे भी पायरीडीन वर्ड आ गया तो वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा इन केस ऑफ क्रोमियम के केस में, ये सब क्रोमियम के ऑक्साइड हैं। एंड कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ हीट दे, तो ये भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। टेम्परेचर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए 573 केल्विन तक होता है ये। तो ये हैं आपके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वैसे ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो स्ट्रॉन्ग में KMnO4, अगेन डी ब्लॉक के ऑक्साइड, मैंगनीज के ऑक्साइड हो गए, KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम हो तो भी, बेसिक मीडियम हो तो भी, न्यूट्रल मीडियम हो तो भी, अल्कोहल के केस में ये तीनों मीडियम में ही स्ट्रॉन्ग का काम करता है। सिमिलरली K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम ओनली, ये सिर्फ एसिडिक मीडियम में वर्क करता है, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वैसे ही CrO3, ध्यान देना अगेन क्रोमियम के ऑक्साइड है बट इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम है, यहाँ पे ये एनहाइड्रस था, यहाँ पे एसिडिक मीडियम है, अगर एसिडिक मीडियम होगा तो फिर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे और इसका स्पेशल नेम है जोन्स रिएजेंट। तो ये आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि कौन माइल्ड है कौन स्ट्रॉन्ग है, इसका क्या यूज है मैं बताता हूँ अभी। सबसे पहले डिग्री ऑफ अल्कोहल को आपको देखना है कि अल्कोहल कितने डिग्री का है, 1 डिग्री का है, 2 डिग्री का है या 3 डिग्री का है। डिग्री ऑफ अल्कोहल पहचानना बहुत ईजी है, जिस कार्बन से OH अटैच है, OH जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन एक ही कार्बन से अटैच होना चाहिए, राइट, तो 1 डिग्री बोलेंगे, या फिर एक भी कार्बन से ना हो तो भी 1 डिग्री बोलेंगे। OH जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन दो कार्बन से अगर अटैच होगा तो
2 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे, वैसे ही OH जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन 3 कार्बन से अटैच होगा तो 3 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे। तो अगर आपने 1 डिग्री अल्कोहल लिया और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया तो इन दैट केस एल्डिहाइड बनेगा आपका प्रोडक्ट। ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक का पॉइंट यही है, अगर 1 डिग्री अल्कोहल है माइल्ड वाला लिया इनमें से कोई भी लिया तो आपको क्या बनाना एल्डिहाइड। 1 डिग्री है स्ट्रॉन्ग लिया, स्ट्रॉन्ग मतलब इनमें से कोई लिया तो क्या बनाना आपको एसिड, एसिड बोले तो सी डबल बॉन्ड ओ OH ग्रुप आपको लगाना। सिमिलरली अगर 2 डिग्री है तो माइल्ड हो या स्ट्रॉन्ग हो डजंट मैटर, 2 डिग्री में सब में कीटोन बनेगा, ध्यान देना सब में कीटोन बन जाएंगे। 3 डिग्री में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3 डिग्री में माइल्ड होगा तो कोई रिएक्शन नहीं, कोई इफेक्ट नहीं, ये वाले होंगे तो कुछ नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग होंगे तो भी आप कह सकते हैं कि कोई इफेक्ट नहीं, क्यों, क्योंकि और ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है तो जनरली रिएक्शन नहीं होती है, और अगर कराना ही होगा तो मिक्सचर ऑफ एसिड मिलेंगे, राइट, जिसका मैं एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा। तो 3 डिग्री में रिएक्शन जो है वो रेयर हैं, 1 डिग्री में माइल्ड होगा तो एल्डिहाइड, स्ट्रॉन्ग होगा तो एसिड, 2 डिग्री में माइल्ड हो या स्ट्रॉन्ग कीटोन, यही 99% पूछे जाएंगे, 3 डिग्री में पूछा नहीं जाता। अगर पूछा भी जाएगा तो कैसे करना है, तो माइल्ड से तो कोई इफेक्ट नहीं, स्ट्रॉन्ग में मिक्सचर ऑफ एसिड बनाना है, अभी मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। तो ये पूरा आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए। नाउ 1 डिग्री अल्कोहल में कैसे 1 डिग्री होगा, जिस कार्बन से OH अटैच है वो कार्बन एक ही कार्बन से है क्योंकि बाकी दो हाइड्रोजन हो गए, तो ऐसे पहचान सकते हो, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है। तो माइल्ड लेंगे तो क्या करना है, माइल्ड के केस में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन को जिस कार्बन से OH अटैच है उस कार्बन के एक ही हाइड्रोजन को OH में कन्वर्ट करना है, ये ट्रिक का पॉइंट है। तो ध्यान से देखो, माइल्ड कौन सा है अभी बता दिया, तो माइल्ड में आप क्या करेंगे, एक ही H को OH में कन्वर्ट किया, ये वही वाला पॉइंट हो गया, एक कार्बन पे 2H है, वाटर बाहर कर देंगे तो क्या बन जाएगा एल्डिहाइड, तो इसलिए 1 डिग्री में एल्डिहाइड बनाना आपको, राइट। अगर स्ट्रॉन्ग लेंगे तो स्ट्रॉन्ग के केस में क्या करना है, वो दोनों H को OH में कर देना है, ये ट्रिक का पॉइंट है। तो ध्यान से देखो, दोनों H को OH में हमने कर दिया, अगेन एक कार्बन पे 2 OH या 2 से ज़्यादा हो गए तो एक वाटर बाहर कर दिया, तो अब एक ही OH बचा, एक कार्बन पे एक OH हो सकता है, राइट, तो इसलिए कौन सा बन गया, ये एसिड बन गया। तो इसलिए हमने लिखा था 1 डिग्री अल्कोहल माइल्ड होगा तो एल्डिहाइड, 1 डिग्री अल्कोहल स्ट्रॉन्ग होंगे तो एसिड, कैसे करना है उसका ट्रिक यहाँ पर आपको बता दिया। अब यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर डबल बॉन्ड वगैरह हो गए तो क्या करना है, तो ध्यान से देखो, अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, डबल बॉन्ड है, तो उसको कुछ अफेक्ट नहीं करना है, सिर्फ ये वाला, क्योंकि यहाँ पे कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, दो ही बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन होंगे, तो इसका मतलब ये 1 डिग्री अल्कोहल हो गया, तो एल्डिहाइड बना करके आपको छोड़ देना है, एक हेच को एच करके वाटर बाहर निकाल देना माइल्ड के केस में। स्ट्रॉन्ग के केस में क्या होगा, ये तो ऑक्सीडाइज होंगे ही, डबल बॉन्ड भी ऑक्सीडाइज होंगे, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं एक वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर रखा हूँ। तो इस केस में क्या होगा, ये दोनों हेच OH में जाएंगे तो सी डबल बॉन्ड OH बनेगा, और चूंकि स्ट्रॉन्ग है तो ये डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देना, आपको बता रखा हूँ, इधर भी ऑक्सीजन देना, इधर भी ऑक्सीजन देना, इसके पास हाइड्रोजन है हेच तो उसको OH करना पड़ेगा, इधर भी हेच है तो उसको OH करना पड़ेगा, तो एक ये वाला फ्रेगमेंट हो गया ये वाला पार्ट, तो देखो CH3 और ये क्या जाएगा C डबल बॉन्ड OH, तो एक तो ये मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, दूसरा देखो इस कारण पे C डबल बॉन्ड OH, इस कारण पे C डबल बॉन्ड OH, तो ये मिल जाएंगे ऑक्सैलिक एसिड। तो ये पॉइंट को ध्यान से समझ लेना फॉर 1 डिग्री अल्कोहल। नाउ 2 डिग्री के केस में कैसे, जिस कार्बन पे OH अटैच है वो कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, राइट, या फिर उस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल हुआ। तो 2 डिग्री अल्कोहल के केस में चाहे आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो या फिर स्ट्रॉन्ग लो, डजंट मैटर, हर केस में आपको कीटोन बनाना है, डैट मीन्स करना है क्या है, इस हेच को सिर्फ OH में कन्वर्ट कर देना है, और एक कार्बन पे 2H हो गया तो वाटर बाहर चला जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा कीटोन। तो ये है ट्रिक का पॉइंट। नाउ सम ऑफ द एग्जांपल लिए, ध्यान से समझो, जैसे यहाँ पे तो ये क्लियर हो गया कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है, CrO3 anhydrous लिखा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर माइल्ड है ये तो आपको एल्डिहाइड बनाना पड़ेगा, तो CH3 CH2 यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे ये एल्डिहाइड बना देना है। ध्यान दो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन पे OH है, तो 1 2 तीसरे कार्बन पे
एक OH था, एक जो H था उसको OH में कन्वर्ट करना और एक H रह जाएगा, वही H है राइट, और वाटर बाहर करके ऐसे कर देना। सिमिलरली इस केस में कॉपर एंड हीट अगेन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अल्कोहल आपका 1 डिग्री है, तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको मालूम है राइट, यहाँ पे जो कार्बन है उस पर आपका H रह जाएगा, क्योंकि ये कार्बन पे जो OH है और 2 हाइड्रोजन थे, तो एक हाइड्रोजन को OH करके वाटर बाहर कर देना, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ध्यान से समझते हुए चलो, क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे डबल बॉन्ड है राइट, और PCC या PDC ले रहे हैं या कॉपर हीट कुछ भी लिए होते, ये सब माइल्ड हैं, डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करेंगे, और ये 1 डिग्री अल्कोहल है, तो अगेन एल्डिहाइड बनाना है, तो क्या हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH और इस कारण पे C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड देंगे। तो ध्यान से समझ लो, सब एग्जांपल लेकर के मैं क्लियर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ये जो अल्कोहल हो गया वो 2 डिग्री हो गया राइट, क्यों, क्योंकि जिस कारण पे OH है वो 2 कार्बन से अटैच है, तो इसके पास 1 हाइड्रोजन होगा राइट। कॉपर हीट ले लो या PCC माइल्ड वाले जो भी ले लो, तो इस H को OH करना है, या स्ट्रॉन्ग भी होता है तो इस H को OH, एक कारण पे 2 H है, वाटर बाहर कर देना, तो आपको क्या बन जाएगा कीटोन, तो ये प्रोडक्ट बना देना आपको। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है, KNO4 ले लिया है, या CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ H+, यहाँ पे एनहाइड्रस नहीं है, या K2, ये सब स्ट्रॉन्ग वाले हैं, तो स्ट्रॉन्ग वाले तभी बताया कि इसके सारे हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन को OH में कन्वर्ट करेंगे, फिर वाटर बाहर जाएगा, तो इस केस में आपको क्या मिल जाएगा एसिड मिल जाएगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन पे ये होना, 1 2 3 पे ये, तो एसिड मिल जाएंगे। तो ये है 1 डिग्री 2 डिग्री के लिए, 3 डिग्री के लिए कैसे करना है अभी मैं बताता हूँ। नाउ 3 डिग्री अल्कोहल कैसे हुआ, क्योंकि जिस कार्बन पे OH है वो कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, तो ये 3 डिग्री है। कॉपर और हीट के प्रेजेंस में वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इस केस में क्या हो जाता है एक्चुअली में इलिमिनेशन हो जाता है। कौन सी रिएक्शन हो जाती है, इलिमिनेशन रिएक्शन, और आपको क्या मिलेंगे एल्कीन। तो यहाँ पे जो OH है इसके बगल वाले कार्बन, इससे आप हाइड्रोजन लेकर के वाटर बाहर कर देना है, या फिर यहाँ से भी ले सकते हैं राइट, बगल वाले कार्बन से, या फिर यहाँ से भी ले सकते हैं। तो ये दोनों तो सेम ही है, चाहे ये हाइड्रोजन लो या ये हाइड्रोजन, तो एक प्रोडक्ट आपका कैसा बन जाएगा डबल बॉन्ड ये वाले, और दूसरा कौन सा बनेगा अगर ये वाला हाइड्रोजन हटाएंगे, तो ध्यान से देखो ये वाले, इनमें कौन मेजर होगा, तो एल्कीन की स्टेबिलिटी से, हाइपर कंजुगेशन से, यहाँ पे ज़्यादा अल्फा एच है, 3, 3, 6 और 3, 9 अल्फा एच है, तो इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट होंगे, ये माइनर होंगे, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी भी 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन ओवर हीटेड कॉपर, ऐसा वर्ड यूज कर सकता है राइट, तो हीटेड कॉपर के साथ अगर 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन कराओगे तो इलिमिनेशन हो जाएगा, जिस कारण पे OH होगा उसके बगल वाले कार्बन से H हटा करके, डैट मीन्स वाटर को बाहर करके आपको एल्कीन बना देना, और कौन मेजर होगा वो आपको समझा दिया हूँ राइट। सिमिलरली अगर 3 डिग्री अल्कोहल है, KNO4 है, K2Cr2 स्ट्रॉन्ग है, तो नो रिएक्शन राइट, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रेशर अगर आप दोगे तब जाकर के रिएक्शन होती है, इसलिए ये पूछा ही नहीं जाएगा, या फिर जनरली नॉर्मल कंडीशन में नो रिएक्शन, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रेशर देंगे तब मिक्सचर ऑफ एसिड बनेगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होकर करके सी डबल बॉन्ड OH कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करना पड़ जाएगा, तो वो रेयर होती हैं, इसलिए आप बोलेंगे नो रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे कॉपर एंड हीट है, तो अगेन हो जाएगा, बट ये 3 डिग्री है, तो ये कार्बन पे OH है, तो इधर भी हाइड्रोजन है राइट, तो इससे ले सकता हूँ, और इधर लूँ या इधर लूँ सेम ही बात है, तो आपको 2 टाइप के प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे राइट, इधर में ये डबल बॉन्ड प्लस एक ये वाले, तो ये ज़्यादा मेजर होगा, क्यों, क्योंकि इसमें अल्फा है ज़्यादा है, तो इस तरीके से करना है, बट यही 3 डिग्री का KNO4 से, तो आप क्या बोल देंगे नो रिएक्शन। नाउ ज्ञान की बात, और डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो, ये 1 डिग्री अल्कोहल हुआ, कॉपर हीट है, तो एल्डिहाइड तो बनाएंगे, तो करना है कि आपको ऑक्सीजन का 1 हाइड्रोजन और कार्बन का 1 हाइड्रोजन ये H2 के फॉर्म में यहाँ पे बाहर करना है, ध्यान दें H2O नहीं, H2 के फॉर्म में बाहर करना है, तो ये H चले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा CH3, ये C डबल बॉन्ड O और एक H रह जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको डीहाइड्रोजिनेशन, नेम पे ध्यान देना, डी मतलब बाहर निकलना, हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे बाहर जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान देना। वैसे ही अगेन 2 डिग्री अल्कोहल है, कॉपर हीट है, तो अगेन ऑक्सीजन का ये H और कार्बन का ये H हाइड्रोजन के फॉर्म में चला जाएगा, तो ये भी डीहाइड्रोजिनेशन ही है, और बन क्या जाएगा आपका कीटोन बन जाएगा राइट।
तो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड हो सी एच थ्री कीटोन बन जाएंगे। बट इन केस ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल कॉपर हीट है तो इलिमिनेशन होता है। इलिमिनेशन में क्या होगा, ये पूरा OH जाएगा एक, और इस कार्बन का यहाँ पे तीनों कार्बन सेम ही है तो एक हाइड्रोजन जाएगा, तो वाटर बाहर जाएगा, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेशन। तो पूछा जा सकता है ओवर हीटेड कॉपर 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल होता है तो डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होती है, 3 डिग्री होता है तो डिहाइड्रेशन, क्योंकि वाटर जाता है, तो ये ध्यान रखना। और इस केस में आपका CH3 सी डबल बॉन्ड CH2 CH3 एल्कीन बन जाएगा, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। वैसे ही अगेन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फिनॉल, तो फिनॉल की रिएक्शन अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 K2Cr2O7 इन सब से अगर कराओगे तो बेंजो किनोन मिल जाएगा। डैट मीन्स ये वाला डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर देना इधर, ये इसको इधर शिफ्ट कर देना और इधर वाला डबल बॉन्ड ओ कर देना जो यहाँ पे बनाया, तो इम्पॉर्टेंट है ये। सिर्फ स्ट्रॉन्ग होगा तभी ऐसा होगा, अदरवाइज वीक या माइल्ड में नहीं होगा। और अगर जिंक वगैरह ले लिए, जिंक डस्ट, तो ये ओ को जिंक खा जाएगा, ZnO बन जाएगा, तो सिर्फ बेंजीन मिल जाएगा। तो ये ज्ञान की बात बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन, तो एल्केन में ध्यान से देखो, अगर एलिफेटिक होगा तो वो जो हाइड्रोजन होना चाहिए वो 3 डिग्री वाले कार्बन से अटैच होना चाहिए, तभी होगा। जैसे यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है वो 3 डिग्री वाला एक हो गया, क्यों, क्योंकि जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन 3 कार्बन से अटैच है। तो आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 या K2Cr2O7 राइट, ये सब यूज करेंगे तो ये H को OH कर देना, अल्कोहल मिल जाएगा। ध्यान दें जब 3 डिग्री होगा तो 2 डिग्री वाले होंगे, 1 डिग्री तो नो रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो ये 1 डिग्री वाला हाइड्रोजन है, ये 2 डिग्री वाले हैं, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, तो इस केस में नो रिएक्शन, कट मार दिया, नो रिएक्शन, ओनली 3 डिग्री वाले को करना है एलिफैटिक में। नेक्स्ट वन इज दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइड चेन ऑक्सीडेशन, और ये कई बार पूछा जाता है। बेंजीन से जो कार्बन अटैच है उसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी ये होगा डेफिनेटली, फिर ये sp3 होगा राइट, एल्केन की बात कर रहे हैं हम। तो अगर बेंजीन से जो कार्बन अटैच है उसके पास कम से कम, ध्यान दें, एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होगा तभी ये होगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 या K2Cr2O7 यूज करेंगे तो कुछ नहीं करना आपको, ये सी डबल बॉन्ड OH कर देना है, बाकी सबको बाहर कर देना है, तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे तो बेंजीन के बगल में कार्बन है, इस कार्बन पे बाय द वे 2 हाइड्रोजन है अभी, KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम लेंगे, तो ये सबको हटा देना, बस ये कार्बन पे सी डबल बॉन्ड OH कर देना है, बाकी का क्या हुआ वो बाय प्रोडक्ट है, उससे मतलब नहीं है, ये बन जाएगा आपका, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे यहाँ पे ध्यान से देखो तो अगेन इस कार्बन पे तो 3 हाइड्रोजन है, इस पे भी हैं, तो ऐसे केस में फिर क्या करोगे आप, दोनों जगह सी डबल बॉन्ड OH कर देना है। और कैसे हुआ, तो वेरी इजी, यहाँ पे 3 H थे राइट, वैसे ही सोच सकते हो H को OH करेंगे OH करेंगे OH कर देंगे राइट, और एक कण पे 2 H अनस्टेबल, तो वाटर आप जब बाहर करोगे तो वही आ जाएगा, ऐसे आप थिंक कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे ध्यान से देखो तो अगेन ये साइड चेन ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये जो कार्बन है इसके पास बाय द वे एक हाइड्रोजन बचा है, तो फिर आपका रिएक्शन हो जाएगा और कुछ नहीं करना, बस सी डबल बॉन्ड OH कर देना है, इस कार्बन को पकड़ना, बाकी को हटा देना राइट, तो दिस इज कॉल्ड साइड चेन ऑक्सीडेशन। अगर इस केस में सब जो ऐसा होता तो फिर रिएक्शन जल्दी नहीं होती, वेरी ड्रास्टिक कंडीशन में होगा, नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्शन नहीं होंगी। नाउ ज्ञान की बात, और डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर टॉलुइन अगर आपने लिया, डैट मीन्स बेंजीन पे अगर एक CH3 ग्रुप है तो इसको बोलते हैं टॉलुइन, और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो क्या करना है, अल्डिहाइड बनाना है। तो जैसे इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, जो बेंजीन है एज इट इज, इस कार्बन पे जो 3 हाइड्रोजन थे उसमें से 2 ही हाइड्रोजन को OH में कन्वर्ट करके वाटर बार कर देंगे तो सी डबल बॉन्ड OH, ये बन जाएगा अल्डिहाइड। इसको बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं ट्रिक्स दे रखा हूँ नेम रिएक्शन में, ओके। वैसे ही अगर ये लें इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइड तो भी आपको यही प्रोडक्ट बनाना है, तो ये सब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनते हैं। नेक्स्ट, अगर लाइट इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन हो तो सबसे पहले आपको क्या कराना पड़ेगा, फोटो हैलोजिनेशन, डैट मीन्स ये वाले कारण पे जो 2 हाइड्रोजन है उसको Cl से रिप्लेस कर देना है, और फिर चूंकि यहाँ पे वाटर दिया है तो हाइड्रोलिसिस, तो बता रखा हूँ लेस को मोर, मोर को लेस, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसको H, इसको OH, फिर ये बॉन्ड पेयर करके इसको H, इसको OH,
तो क्या हो गया अगर आप ध्यान से देखो तो आप ऐसे थिंक कर सकते हो, इस कार्बन पे दो OH आ गए, वाटर को आपको बाहर कर देना है तो फिर से क्या मिल जाएगा आपको, एल्डिहाइड। तो ये तीनों से ही बेंजल डिहाइड मिलेंगे, इम्पॉर्टेंट है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। नाउ नेक्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, राइट। तो ये एल्डिहाइड हो गया आपका, तो एल्डिहाइड के लिए बहुत सारे एजेंट यूज कर सकते हैं, जैसे KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H+ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H+ ये भी यूज कर सकते हैं, या सिर्फ नाइट्रिक एसिड लिख दे क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पर +5 में है तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। AgNH3O2 उस पर +4, डेट मीन सिल्वर यहाँ पे +1 में होना चाहिए, जिसको बोलते हैं टॉलिंस रिएजेंट, इसके बारे में एक वीडियो लेक्चर बना रखे हैं, राइट, टेस्ट से रिलेटेड। वैसे ही फेलिंग टेस्ट वाले कॉपर +2 एक्वस एक्टिव होते हैं, राइट। तो इन सब केस में आपको क्या करना है, एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देना है, डेट मीन सब में प्रोडक्ट क्या हो गए, CH3, CH2, ये सी डबल बॉन्ड हो, ये जो H था आपका उसको OH कर देना है, तो ये बन जाएगा आपका। अगर बेसिक मीडियम होगा तो ये H हटा कर करके सिर्फ आपको एनायन फॉर्म में रखना है, एसिडिक मीडियम लोगे तो फिर ये बन जाएंगे, तो हर केस में एसिड बन जाएगा, ये ध्यान रखना है। सिर्फ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो फेलिंग टेस्ट में बता रखा हूँ, अगर बेंजल डिहाइड लेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, किससे, सिर्फ फेलिंग वाले से, बाकी सबसे होगा। तो क्लियरली समझ लेना कि अगर एल्डिहाइड होंगे तो सब केस में एसिड मिलेगा, इन केस ऑफ बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड के केस में ये वाले केस में फेलिंग टेस्ट नहीं देगा, बाकी सब में हो जाएंगे, आपको एसिड बनाना है। तो आई होप मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। बेटा ये जो ऑक्सीडेशन वाले हैं जिसमें हमने अल्कोहल, एल्केन और एल्डिहाइड को डिस्कस किया, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार इस पर बेस्ट क्वेश्चन आए हैं, जो कंसेप्ट समझाया हूँ, जो रिएजेंट दिया हूँ, बस उतना ही ध्यान रखना है, उससे बाहर कुछ नहीं है। इस पर बेस्ट बहुत सारे प्रॉब्लम आप PYQ के इजिली कर सकते हो। थैंक यू।